वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंजन क्लास टू का आज मैं डिस्कस करूंगा। क्लास वन में मैं आप लोगों को समझाया था व्हाट इज हीट इंजन, टाइप्स ऑफ हीट इंजन, व्हाट इज आईसी इंजन, व्हाट इज ईसी इंजन, व्हाट इज एसआई इंजन एंड व्हाट इज सीआई इंजन। इन सभी चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन किए और डिफरेंसेस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। बहुत सारा स्टूडेंट का पॉजिटिव रिव्यू आया है कि सर इस सीरीज को आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा क्लास लग रहा है। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आईएसएल एग्जाम के लिए डीजल मैकेनिक का क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। आईएसएल के लिए आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और आईएसएल बहुत अच्छा नौकरी है। मैं सैलरी का बेसिस पर बोल रहा हूँ, ड्यूटी का बेसिस पर भी बोल रहा हूँ। इसमें लगभग इसके एक एक यूनिट में बोलते हैं, मेरा एक कॉलेज भी है, 40,000 रुपये से 40 बनता है। मतलब काफ़ी अच्छा इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। सैलरी को छोड़ भी देते हैं तो लगभग स्टार्टिंग से आपको 55,000 से 60,000 ई हैंड मिलता है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो आपको प्रिपेरेशन 100% करना है और आपका प्रिपेरेशन लेवल अगर बढ़ना है तो थ्योरी क्लास का साथ साथ आपको एमसीक्यू भी पढ़ना है। और एमसीक्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आपको 25 सेट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, टोटल 2500 क्वेश्चन मिलेगा। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उधर मिल जाएगा। इधर आप थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उधर जाके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्योरी सिर्फ पढ़ के आपको नहीं होगा, एग्जाम में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी तो आपको जानना है। तो जरूर आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और फ्री वीकली टेस्ट भी आप लोगों का 2 अपडेट हो गया है। वैसे हर हफ्ते में एक टेस्ट आपको मिलेगा, बट एग्जैक्ट डेट नहीं मैं दे पाऊंगा। तो वो फ्री वीकली टेस्ट एग्जाम होने तक आपको हफ्ते में एक टेस्ट मिलते रहेगा, एक एक करके टेस्ट मिलते रहेगा। और 25 सेट स्पेशली मैं एग्जामिनेशन के लिए डिजाइन किया हूँ। उसमें आपको जीके का 10 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन और 75 का टेक्निकल जो मिक्स क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से बनाया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास का डिस्कशन। आज का क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 4-स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में, पार्ट्स ऑफ 4-स्ट्रोक डीजल इंजन एंड देयर फंक्शन। 4-स्ट्रोक डीजल इंजन का क्या क्या पार्ट्स होता है और उसका क्या क्या कार्य होता है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्लास में उसके वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्या क्या पार्ट होता है और पार्ट क्या क्या करता है, ये आपको जानना है सबसे पहले। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंजन का क्लास टू मतलब आज का क्लास से आपको पूछे जाने वाला है। ओके, इसीलिए आज का क्लास आपको ध्यान से देखने वाला है। मतलब मेरा नोट्स का हर एक लाइन आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ अपनों को आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट, फिटर स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट भी डर रहे कि कैसे हम इसको कवर करें, बाकी ट्रेड का भी स्टूडेंट सोच रहे हैं। 5-6 वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, देखिए आपका डीजल मैकेनिक क्लियर हो जाएगा। ओके, आईएसएल का पेपर मेनली फिटर, इलेक्ट्रिशियन और डीजल मैकेनिक से बनता है। जो मिक्स क्वेश्चन 75 आएगा उसमें से मैं बोल रहा हूँ। ओके, डीजल इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन। ओके, इसमें आपको याद रखना है फ्यूल इंजेक्शन वाल्व के बारे में। ओके, अब आपको पेट्रोल इंजन के आइडिया पूरा दिमाग से हटा देना है आज के क्लास के लिए। कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, ये सब की टेंशन आपको नहीं करना है। आज हम लोग डीजल इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब फ्यूल होगा डीजल और 3 वाल्व होगा, उसमें एक आपका रहेगा इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और फ्यूल इंजेक्टर, या जिसे हम लोग इंजेक्शन वाल्व कहते हैं, 3 वाल्व। ओके, तो इसके जो हर एक पार्ट है इसके बारे में अब डिस्कशन शुरू करते हैं। इंजन मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इधर से इधर इसे सिलेंडर कहते हैं और इधर से एकदम नीचे तक जिसे क्रैंक केस कहते हैं। ओके, सिलेंडर 2 पार्ट से बने होते हैं,
एक होता है सिलेंडर हेड और इधर से इधर तक होता है सिलेंडर ब्लॉक। ओके, सिलेंडर हेड का एक पोर्शन होता है जहां पे कॉम्बसन होता है, उसके नाम है कॉम्बसन चेंबर। एक्चुअली इधर फ्यूल कॉम्बसन होता है, ईंधन का दहन होता है। डीजल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका फ्यूल इंजेक्टर या इंजेक्शन वाल्व। जिससे फ्यूल सप्लाई किया जाता है इग्निशन करने के लिए, जब जरूरत होता है तब डीजल इस वाल्व के थ्रू भेजा जाता है और फिर डीजल को स्प्रे के रूप में कंबसन चेंबर में भेजा जाता है। ओके, एक वाल्व है और ये एक वाल्व है। ओके, ये आपका इनलेट वाल्व है और ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। ओके, इनलेट वाल्व के क्या कार्य होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी का तरफ डाउनवर्ड आने लगता है तो इनलेट वाल्व तब ओपन होता है और उससे बाहर के हवा इंजन सिलेंडर में जाता है। ओके, ये होता है इनलेट वाल्व का कार्य, मतलब इनलेट वाल्व से प्योर एयर इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है। और जब फ्यूल का कंबसन हो जाता है, ईंधन का दहन हो जाता है, तो फ्यूल इधर डीजल है तो उसमें से जो भी जली हुई गैस है, बर्न्ड गैसेस है और स्मोक है, उसको निकालने के लिए भी तो कोई जगह होना चाहिए, सिलेंडर से तो कोई ना कोई जगह होना चाहिए, तो वो एग्जॉस्ट वाल्व से निकलता है। ओके, ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं इससे स्प्रिंग कहते हैं, इधर भी है स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या कार्य होता है, देखो जब वाल्व का जरूरत पड़ेगा तो वाल्व ओपन होगा, जब इनलेट वाल्व का जरूरत होगा इनलेट वाल्व ओपन होगा, और जब एग्जॉस्ट वाल्व का जरूरत पड़ेगा तो वो ओपन होगा और क्लोज होगा जब जरूरत पड़ेगा, लेकिन बाकी टाइम में वाल्व को उसके स्थिति में बैठा के रखने के लिए या उसके स्थिति में उसको स्थिर रखने के लिए, उसके जगह में उसको स्थिर रखने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है, मतलब वाल्व को उसके अपने जगह में स्थिर रखने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इधर और इधर, यह है वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म सब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, वाल्व मैकेनिज्म में क्या क्या चीज होता है, कैम फॉलोअर एंड कैम सेफ्ट होता है। ओके, वाल्व मैकेनिज्म का क्या काम होता है, जब जरूरत होता है तो वाल्व को ओपन करना और वाल्व को बंद करना। मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में क्या समझाया हूं, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी का तरफ आने लगता है तो इधर इंजन सिलेंडर तो पूरा खाली है, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो इंजन सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में, इसीलिए दोनों का प्रेशर इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी का तरफ आता है वाल्व मैकेनिज्म के माध्यम से ऑटोमेटिक इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ओपन होता है फिर प्योर एयर इंजन सिलेंडर में आ जाता है,
फिर देखो जब पिस्टन बीडीसी तक पहुंच गया है तो फिर बीडीसी में पहुंच के वो स्थिर हो जाता, फिर वो डायरेक्शन चेंज करके टीडीसी का तरफ ऊपर जाने लगता है। तो तब क्या होता है, वही वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व मैकेनिज्म के मदद से या वाल्व मैकेनिज्म के कारण इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। और तब क्या होता है, और ये आपका धीरे धीरे पिस्टन ऊपर उठने जाता है, उठने लगता है और जो भी हवा आ गया है उसको कंप्रेस करने लगता है। तो देखो जब हमको जरूरत है तो तब ऑटोमेटिक वो ओपन हो रहा है, हमको हाथ से इंजन में ओपन करने का कोई जरूरत नहीं है कि हाँ अब पिस्टन नीचे मूव कर रहा है बीडीसी का तरफ तो इधर वाल्व को ओपन करना पड़ेगा तब आके इंजन सिलेंडर में आके हवा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक वाल्व मैकेनिज्म के माध्यम से वाल्व ओपन हो रहा है। ओके, तो देखो जब हवा इसके अंदर जब हवा आ गया है और जब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है तो एयर बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है। प्रेशराइज होते होते जब पिस्टन टीडीसी तक आ जाएगा एयर पूरा कंप्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, उसमें हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन है, हीट है। और फिर हम लोग इंजेक्शन वाल्व से डीजल को स्प्रे करते हैं और जब भी डीजल को स्प्रे करते फ्यूल भी आ जाता, आग लग जाता है। तो तब क्या होता है, तब पावर स्ट्रोक शुरू होता है, उससे जो भी हीट एनर्जी, जब भी आग लगता है उससे हीट एनर्जी बनना शुरू होता है, तो उससे जो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से पिस्टन को फिर नीचे धकेलता है, पिस्टन फिर नीचे आता है। तो फिर जब पिस्टन बीडीसी तक आ जाता है फिर वो ऊपर जाने का उसका काम होगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये जो आपका फ्यूल जल गया है, वो जो जली हुई गैस है और धुआं है, उसको भी तो निकालना पड़ेगा इंजन सिलेंडर से। तब क्या होगा, तब पावर स्ट्रोक जब भी खत्म होगा तो उसके बाद जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी का तरफ ऊपर जाने लगेगा, ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। और जब भी जितना ऊपर उठता रहेगा, जितना भी इंजन सिलेंडर में जली हुई हवा है, गैस है, जो भी है, धुआं है, वो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाएगा। फिर जब टाइम होगा एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सब ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऑटोमेटिक हो रहा है इसी को हम लोग बोल रहे वाल्व मैकेनिज्म। इसमें क्या क्या चीज रहता है, कैम रहता है, फॉलोअर रहता है, कैम शाफ्ट रहता है। कैम शाफ्ट कैसे आप क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपका पिस्टन है। ओके, और ये आपका अंदर तो सिलेंडर ही है। ठीक है, तो अंदर सिलेंडर है, उसमें पिस्टन भी सिलिंड्रिकल शेप का होता है। जो भी इंजन होता है वो थोड़ी ना रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर होता है, सिलिंड्रिकल शेप होगा। तो इसमें देखो जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें अंदर सिलिंड्रिकल होल है और उसमें हम लोग पिस्टन को डालते हैं, ओके, और पिस्टन क्या करता है, इंजन में स्लाइड होता है, ऊपर नीच होता है, मतलब सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ओके, अब कुछ चीज को देखो मैं उड़ाता हूं, वेट। तो जो पिस्टन होता है वो भी आपका सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो इसे पिस्टन कहते हैं। इसमें देखो रेड कलर का दो रिंग है और ग्रीन कलर का एक रिंग है, तीनों रिंग को ही कहते हैं पिस्टन रिंग। ठीक है, बट जो रेड कलर के रिंग है इसे कहते हैं कंप्रेशन रिंग। ओके, और जो ग्रीन कलर के रिंग है उसे कहते हैं ऑयल रिंग। ओके, अब देखो ये जो पिस्टन है वो सिलिंड्रिकल शेप है, उसमें स्लॉट कटे होते हैं, ऊपर दो स्लॉट कटे होते हैं, नीचे एक स्लॉट कटे होते हैं और उसी स्लॉट में कंप्रेशन रिंग को डाला जाता है। रेड कलर में जो दिख रहा है वो कंप्रेशन रिंग। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में मिनिमम दो कंप्रेशन रिंग होना कंपलसरी है,
ओके। तो पिस्टन में जो स्लॉट कटे होते हैं उसमें इन दो रिंग को डाला जाता है, और ये रिंग स्प्लिट फॉर्म में होता है। देखना कुछ कुछ हाथ में जो आप पहनते हैं ना, जो भी ब्रेसलेट होता है उसको, वो स्प्लिट फॉर्म में होता है, मतलब उसको आप ऐसे खोल देते फिर डाल के फिर आप सीधा कर लेते, वैसा होता ना। तो ये भी रिंग स्प्लिट होता है। तो आप देखिए पिस्टन में जहाँ स्लॉट कटे होते हैं उधर हम लोग दो कॉम्प्रेसर रिंग को फिट करते हैं, और नीचे जो ग्रीन कलर का रिंग स्लॉट कटे जो आप दिख रहा है वो आपका वेल्डिंग है, उसमें भी स्लॉट कटे होता है और वेल्डिंग भी स्प्लिट होता है, तो इसमें वेल्डिंग को फिट किया जाता है। अब इसका क्या कार्य होता है, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रहा था कि ये जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है और ये जो आपका पिस्टन है, दोनों का बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, दोनों का बीच में कोई भी गैप नहीं होता। गैप होता तो क्या, हाई प्रेशर जो भी गैस होगा वो गैप से तो निकल जाता ना, तो हाई प्रेशर नहीं दे पाता पिस्टन को, उतना हाई प्रेशर नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो भी आप देख रहे सिलेंडर पोर्शन है, सिलेंडर ब्लॉक पोर्शन है, उसके साथ पिस्टन बिल्कुल भी टाइट फिट होता है। और टाइट को मेंटेन करने के लिए देखो इधर हम लोग दो रिंग प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, एक रिंग और दो रिंग, और नीचे देखो इधर एक ग्रीन कलर के रिंग वेल्डिंग हम लोग प्रोवाइड किए हैं। तो एक्चुअली कॉम्प्रेशन रिंग का क्या काम होता है, तो देखो ये इंजन सिलेंडर के साथ पिस्टन को पूरा कॉम्प्रेस करके पकड़ के रखना, ताकि इसके पास से कोई भी गैस ना निकल जाए, हाई प्रेशर का जो गैस क्रिएट हो रहा है वो निकल ना जाए। और वेल्डिंग का क्या काम होता है, वेल्डिंग का काम होता है देखो, नीचे मैं आपको बताऊंगा और भी डिटेल में बताऊंगा, इधर लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा होता है और ये जब भी क्रैंकशाफ्ट आपका घूमता है लुब्रिकेट ऑयल ऊपर जाता है तो इधर तक आता है, तो ये लुब्रिकेट लुब्रिकेट ऑयल इधर तक आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भी ऊपर पहुंच ना जाए, इसीलिए हम लोग इस रिंग से क्या कर देते हैं, टाइटली फिट कर देते हैं इंजन सिलेंडर के साथ पिस्टन को। तो देखो इधर रिंग फिट हो गया, मतलब इधर जितना भी लुब्रिकेट ऑयल जाएगा उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा तो इधर तक चलो कंबसन चलेगा, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा लुब्रिकेंट ऑयल जाएगा तो, ओके इतना समझ लो। नीचे जाके इसका और भी कारण मैं बताऊंगा। ये आपका है गजन पिन, GUD GUD GEON गजन पिन या रिस्ट पिन या जिससे आप पिस्टन पिन कहते हैं, ओके। इसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि ये एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, पिस्टन के साथ क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है, ओके। ये होते हैं क्रैंक पिन, ये होता है क्रैंक, और ये होता है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, और ये आपका होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, और इससे क्या कहते हैं, जहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है उसे ऑयल सांप कहते हैं, या आप ऑयल पैन भी बोल सकते हैं, ऑयल पैन भी बोल सकते हैं, जहां पे एक्चुअली लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर किया जाता है। तो अब देखिए कौन सा पार्ट बच गया है, ये भी हो गया है कनेक्टिंग रॉड का, क्यों यूज किया जाता है, आप पिस्टन के साथ क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। देखो इन दोनों के बीच में अगर कनेक्ट नहीं होगा तो पिस्टन उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते रहेगा, तो आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है उसके तो व्हील नहीं घूमेगा, उसका पहिया नहीं घूमेगा, उसको तो घुमाना है, पहिया को घुमाना है, पहिया को घुमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिस्टन जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसके साथ हम लोग कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ दिए, तो ये आपका ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेटिंग होते रहेगा, ओके। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग होता रहेगा, कनेक्टिंग रॉड से हम लोग क्रैंक शाफ्ट को जोड़ दे, क्रैंकशाफ्ट तब रोटरी मोशन करने लगेगा, और क्रैंकशाफ्ट जब रोटरी मोशन करने लगेगा आपका टू व्हीलर का पहिया और फोर व्हीलर का पहिया जिसे आप व्हील कहते हैं वो आपका घूमने लगेगा, तब जाके तो आप चला पाएंगे, अदरवाइज चला ही नहीं पाएंगे, ओके। इसीलिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड छोड़ के पिस्टन से पावर को आप इधर नहीं ला सकते हैं क्रैंकशाफ्ट तक, ओके। इतने ही पोर्शन है, देखो इतने पोर्शन को अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अब थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जितना पढ़ना था लगभग सब कंप्लीट हो गया है, ओके चलो।
नेक्स्ट ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंबसन इंजन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पार्ट्स गिवेन बिलो। आईसी इंजन नंबर ऑफ पार्ट्स से बने होते, क्या क्या नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको अपन ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिलेंडर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इंजन का दो पार्ट है, एक सिलेंडर दूसरा क्रैंक केस है। क्रैंक केस देखिए, क्रैंक केस आपका कहां से, इधर से एकदम इधर तक क्रैंक केस हो रहा है, और इधर से इधर तक आपका सिलेंडर हो रहा है। और सिलेंडर को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, अब उसको पढ़ते हैं डिटेल में। देखो सिलेंडर, इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजिन। इंजिन का बेसिक पार्ट है सिलेंडर, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हेड एंड सिलेंडर ब्लॉक। और ये दो चीज से बने होते हैं, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर हेड में एक्चुअली कंबसन चेंबर रहता है, और कंबसन टेक्स प्लेस जहां पे एक्चुअली ईंधन का दहन होता है, और सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन रहता है, और पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में रेसिप्रोकेट करते रहता है। ओके, सिलेंडर हेड ऊपर रहता है, उसका नीचे रहता है सिलेंडर ब्लॉक। दोनों को कैसे जोड़ा जाता है, नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है, और उन दोनों के बीच गैस्केट दिया जाता है ताकि उसमें से लीकेज बिल्कुल भी ना हो जाए। ओके, अब थ्योरी पढ़िए। सिलेंडर हेड, द सिलेंडर हेड इज मेड ऑफ सिंगल कास्टिंग। सिलेंडर हेड को सिंगल कास्टिंग में बनाया जाता है, मतलब इसको एक्चुअली कास्टिंग में बनाया जाता है, और सिंगल पीस में वो अवेलेबल होता है, मतलब उसको डबल पार्ट में या उसको जोड़ के ऐसा नहीं बनाया जाता। जो सिलेंडर हेड है वो एक ही पीस में अवेलेबल होता है, और उसको कास्टिंग करके बनाया जाता है। इट इज बोल्टेड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक इधर है और सिलेंडर हेड इधर है, दोनों को नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है। इट इज ए डिटेचेबल पोर्शन ऑफ एन इंजिन व्हिच कवर्स द सिलेंडर एंड इंक्लूड्स कंबसन चेंबर। ये क्या बोला है कि सिलेंडर हेड एक इंजन का डिटेचेबल पोर्शन है, मतलब हम जब भी चाहते हैं उसको डिटैच कर सकते हैं, और जब भी चाहते हैं उसको अटैच कर सकते हैं, मतलब उसको जब भी चाहते हैं हम खोल सकते हैं, जब भी चाहते हैं उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। तो सिलेंडर हेड इंजन का एक डिटैचेबल पोर्शन है जो सिलेंडर को एक्चुअली कवर करता है, सिलेंडर को एक्चुअली कवर करता है, और सिलेंडर हेड में कंबसन चेंबर होता है। मैं आपको पहले बोला, स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर एंड वाल्व्स आर प्रेजेंट इन देयर। देखो एक्चुअली सिलेंडर हेड में क्या क्या रहता है, सिलेंडर हेड में क्या रहता है, सिलेंडर हेड में रहता है आपका, क्या बोला मैं, कंबसन चेंबर होता है। अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर वाल्व होगा, और इनलेट वाल्व होगा, और एग्जॉस्ट वाल्व होगा। और अगर ये पेट्रोल इंजन है तो उसमें क्या होगा, उसमें कंबसन चेंबर होगा, उसमें इनलेट वाल्व होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा, और उसमें स्पार्क प्लग होगा। मतलब इन सभी चीज किस पोर्शन में रहता है, सिलेंडर हेड में रहता है। समझ आ गया। द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर हेड इज मैशिंड टू द स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। मतलब देखो ये आपका सिलेंडर हेड है और ये सिलेंडर ब्लॉक है, तो सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक के साथ नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है, तो सिलेंडर हेड के लोअर पोर्शन प्रॉपरली एक्यूरेसी का साथ उसको मैशिनिंग करके बनाया जाता है। एंड ए गैस्केट इज यूज्ड इन बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द सिलेंडर ब्लॉक टू अवॉइड लीकेज। तो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को जब नट और बोल्ट से आपको कब जोड़ना है तो उसके बीच एक गैस्केट देना चाहिए। जब भी गैस्केट का बात आता है तो आपको याद रखना है कि उस यूज किया जाता है, गैस्केट हमेशा यूज किया जाता है लीकेज को रोकने के लिए। तो लीकेज को रोकने के लिए इसमें कौन सा लीकेज है, गैस का लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में गैस्केट प्रोवाइड किया जाता है। सिलेंडर हेड किससे बनता है, ग्रे कास्ट आयरन से बने होते हैं, और एल्यूमिनियम एलॉय से भी बने होते हैं, दो मटेरियल होता है। ओके, आप देखिए आपको समझ आ जाएगा। ये देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने आप लोगों को बोला इंजन मेनली दो पार्ट में अवेलेबल या डिवाइड होता है, एक होता है
सिलेंडर, दूसरा होता है क्रैंक केस। ठीक है, सिलेंडर का दो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं सिलेंडर हेड और इस पार्ट को कहते हैं इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। ओके, इसमें देखो सिलेंडर हेड को और सिलेंडर ब्लॉक को नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है, और सिलेंडर हेड का देखो ये ऊपर वाला पोर्शन भी, उसको बोला कि वाल्व डोर ओपन, वाल्व डोर ओपन है, मतलब हमको जब चाहिए सिलेंडर हेड को हम नट बोल्ट खोल के निकाल सकते, इसीलिए मैंने बोला कि वो एक डिटैचेबल पोर्शन होता है इंजन का। ओके, और इसी में क्या क्या रहता है, इसी में देखो एक इनलेट वाल्व रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग रहेगा, और डीजल इंजन है तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर वाल्व रहेगा, और इसी में एक कंबशन चैम्बर रहता है जहां पे एक्चुअली फ्यूल कंबशन होता है, हिंदी में जिसे आप कहते हैं ईंधन का दहन होता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। अब हम लोग नीचे जाके इंजन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि इंजन ब्लॉक में क्या होता है। इंजन ब्लॉक में मेनली पिस्टन होता है। ओके, वेट, ये आपका सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, टोटल मिलकर सिलेंडर, सिलेंडर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और नीचे मैंने बोला कि इसको कहते हैं ऑयल सम्प या ऑयल पैन। जहां पे भी हम लोग नट बोल्ट से जोड़ते हैं ना, देखना ट्यूबवेल में भी, घर के जो ट्यूबवेल होते हैं उसमें भी नट बोल्ट से जोड़ते हैं, तो उसके बीच में हम लोग एक गैस्केट यूज करते हैं ताकि उसमें से वाटर लीकेज ना हो जाए, और इसमें भी हम लोग सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को जब भी नट बोल्ट से जोड़ते तो उसके बीच में हम लोग गैस्केट प्रोवाइड करते ताकि गैस लीकेज होने से हम उसको रोक सकें। अब देखो सिलेंडर ब्लॉक पढ़ेंगे, जैसे आप इंजन ब्लॉक कह रहे हैं दोनों सेम है। इट इज द सॉलिड कास्टिंग बॉडी व्हिच इंक्लूड्स द सिलेंडर एंड वाटर जैकेट्स, कूलिंग फिन्स इन द एयर कूल्ड इंजन। देखो एक होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि आईसी इंजन कूलिंग सिस्टम का हिसाब से भी वर्गीकृत किया जाता है, एक वाटर कूल्ड इंजन, एक एयर कूल्ड इंजन। ठीक है, अगर एयर कूल्ड इंजन होते हैं तो उसमें सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर रहेगा और उसके साथ साथ कूलिंग फिन्स रहेगा, और वो इंजन अगर वाटर कूल्ड इंजन है तो उसमें क्या रहेगा, सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर रहेगा एक, और उसमें वाटर जैकेट्स रहेगा। मेरा बात समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। देखो अगर मेरा क्लास समझ नहीं आया तो किसी का भी क्लास समझ नहीं आएगा, मैं तो गारंटी देकर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स को भी उसी हिसाब से बनाया हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड के नीचे रहता है, उसमें मेनली सिलेंडर रहता है, और अगर वाटर कूल्ड इंजन है तो वाटर जैकेट रहेगा, और अगर एयर कूल्ड इंजन है तो कूलिंग फिन्स रहेगा। सिंपल बात है, और एक सॉलिड कास्टिंग बॉडी, ये भी एक सिंगल पीस में अवेलेबल होता है, और कास्टिंग करके इसको भी बनाया जाता है। जितना भी बड़ा बड़ा पार्ट जैसे लेद बीड है उसको भी हम लोग कास्टिंग करके बनाते हैं। मेटेरियल सिलेंडर ब्लॉक का मेटेरियल क्या है, ग्रे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय। सिलेंडर हेड का भी सेम था, इसका भी सेम। एक्चुअली ग्रे कास्ट आयरन क्यों होता है, ग्रे कास्ट आयरन क्यों होता है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता हूं सिंपल एक लॉजिक। ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, ये इंजन सिलेंडर है, ठीक है, और ये पिस्टन है, दोनों में बिल्कुल एकदम टाइट फिट होगा ताकि इसका साइड से गैस बिल्कुल भी लीकेज ना हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें इंजन सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेट करते रहता है, मतलब इंजन सिलेंडर में पिस्टन स्लाइड होता है, तो जब भी स्लाइड होगा देखो ये भी कास्ट आयरन से बने होते हैं पिस्टन, और ये आपका सिलेंडर भी, इंजन सिलेंडर भी कास्ट आयरन से बने होते हैं, तो दोनों तो देखो एक दूसरे पे घिसने लगेगा, एक दूसरे पे घिसने लगेगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये भी घिसेगा, इंजन सिलेंडर भी घिसेगा, तो ये भी घिसेगा, पिस्टन भी घिसेगा, तो एक्चुअली फ्रिक्शन होगा,
क्योंकि पिस्टन इंजन सिलेंडर में स्लाइड होता है तो दोनों में फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो दोनों पार्ट धीरे धीरे घिसने लगेगा। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, स्नेहक यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो देखो इन जगह में लुब्रिकेंट तुम हर बार कैसे डालोगे, इंजन सिलेंडर के अंदर बार बार कैसे लुब्रिकेंट तुम डालोगे, तो हमको ऐसा मेटेरियल का बना होना चाहिए ताकि उसमें से लुब्रिकेंट का कोई जरूरत ना पड़े। तो कास्ट आयरन क्या होता है, वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, वो हवा से ही लुब्रिकेशन हो जाता है। इसलिए ग्रे कास्ट आयरन, जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसको मशीनिंग करते टाइम भी कोई भी कूलेंट का भी जरूरत नहीं पड़ता, कुछ भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इसके अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रे कास्ट आयरन का अंदर ग्रेफाइट कंटेंट रहता है। ग्रेफाइट क्या होता है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। इसीलिए जो लुब्रिकेंट हम लोग यूज करते हैं जहां पर फ्रिक्शन होता है उन पार्ट्स में, तो फ्रिक्शन को जितना हो सके, जितना हद हो सके वो कम करता है। इसलिए दोनों को, पिस्टन को और इंजन सिलेंडर दोनों को हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट जैसा सॉलिड लुब्रिकेंट मौजूद होता है। और देखो एल्यूमिनियम एलॉय से अगर इंजन ब्लॉक को बनाते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम एलॉय में सिलिकॉन 11%, मैंगनीज 0.5% और मैग्नीशियम 0.4%, बाकी एल्यूमिनियम होता है। तो देखो मेनली सिलेंडर ब्लॉक आपको याद रखना, इसमें इंजन सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्लॉक में इंजन सिलेंडर होता है, और वाटर कूल होगा तो वाटर जैकेट्स, और एयर कूल होगा तो एयर फिन्स रहेगा, या कूलिंग फिन्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जो तुम्हारे पार्ट्स है, ये एक्चुअली सिलेंडर हेड है, और इधर से इधर ये टोटल पोर्शन सिलेंडर ब्लॉक है, और ये क्या है, ये सिलेंडर है। और सिलेंडर के साथ कौन रहता है, टाइट फिट होके पिस्टन रहता है। तो सिलेंडर में, इंजन सिलेंडर में पिस्टन स्लाइड करता है, और उसमें वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में स्लाइड करता है। ओके, तो दोनों में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए ऐसा मटेरियल से बनाते हैं ताकि उसमें से मतलब सेल्फ लुब्रिकेटेड हो सके। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए आगे जाकर हम लोग क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको नीचे जाकर बताता हूं। ओके, नेक्स्ट सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक चीज देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये इंजन सिलेंडर है और इसका साथ टाइट फिट होता है पिस्टन। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, इंजन सिलेंडर है, इसका साथ टाइट फिट होता है पिस्टन। दोनों कास्ट आयरन से बने हैं, ग्रे कास्ट आयरन से बने हैं, दोनों में ग्रेफाइट जैसा सॉलिड लुब्रिकेंट है। जितने हद हो सके वो फ्रिक्शन को कम करने का कोशिश करता है, फिर भी फ्रिक्शन होता ही है। देखो लुब्रिकेंट देने के बाद फ्रिक्शन एकदम नहीं होता, ऐसा कभी भी बुक में, कोई भी बुक में नहीं लिखा है। लिखता है कि लुब्रिकेंट इज यूज टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें फ्रिक्शन तो होता है। तो देखो तुम्हारा जो इंजन सिलेंडर है किसका पार्ट है, सिलेंडर ब्लॉक का पार्ट है, जो एक सॉलिड कास्टिंग से बने होते हैं। ओके, तो पिस्टन तो हमेशा जब उसका कार्य करेगा तो वो इंजन सिलेंडर से स्लाइड होते जाएगा और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते रहेगा, तो धीरे धीरे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट के कारण धीरे धीरे घिसने लगता है, धीरे धीरे घिसने लगता है। तो धीरे धीरे जब घिसने लगेगा तो जो सिलेंडर के जितना डाया था, सोचो 50 मिलीमीटर था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे घिस जाएगा। सोचो ये 52 मिलीमीटर हो गया, और आपका तो पिस्टन भी धीरे धीरे, वो भी उसके डायमीटर का 50 मिलीमीटर था, उसका भी धीरे धीरे सोचो कम हो रहा, वो भी सोचो 49 हो गया। ठीक है, अब सिर्फ सिलेंडर का बात करें, पिस्टन के बारे में नीचे जब बढ़ाऊंगा तो पिस्टन में क्या हम पद्धति फॉलो करते हैं, क्या चीज करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो इसमें हुआ क्या, जो सिलेंडर ब्लॉक है जिसमें एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 50 मिलीमीटर था, पिस्टन के घर्षण के कारण
वो 52 मिलीमीटर हो गया है, और ये भी कम हो गया, क्या पिस्टन का भी डायमीटर कम हो गया है, तो तब क्या होगा, तब इंजन सिलेंडर के साथ पिस्टन थोड़ी ना टाइट फिट हो पाएगा, इसमें साइड में गैप हो जाएगा, और साइड में जब भी गैप हो जाएगा तो जब तुम्हारा पावर स्ट्रोक होगा ना, जब एक्चुअली कंबसन होने के बाद जो हाई गैस का हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से धकेल नहीं पाएगा पिस्टन को, क्योंकि गैस साइड से लीकेज हो जाएगा, नीचे तरफ आ जाएगा, नीचे तरफ धीरे धीरे आने लगेगा, तो हाई प्रेशर उतने जितना हाई प्रेशर में पहले धकेल रहे थे उतना धकेल थोड़ी ना पाएगा। ऐसा सोचो मेरा साथ, मेरा टीम का साथ किसी और टीम का फाइट हो रहा है, मेरा टीम में है 100 आदमी, उसके भी टीम में है 100 आदमी, ठीक है, तो मैं जब उसको मारूंगा, सोचिए मेरा टीम में 100 आदमी है, उसका टीम में 50 आदमी है, ठीक है, तो जब हम लोग का फाइट होगा, एक्चुअली मैं जीतूंगा क्योंकि मेरा पास ज्यादा आदमी है, लेकिन अब क्या होगा, सोचो वो मेरा जितना भी आदमी है वो हमसे आदमी लेने लगा, या मेरा आदमी उसके तरफ जाने लगा, धीरे धीरे जब जाने लगेगा तो मैं उतना ज्यादा कमजोर होने लगूंगा ना, कमजोर होने लगूंगा, क्योंकि मेरा आदमी साइड होकर उसके तरफ जा रहा है, तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और मैं धीरे धीरे कमजोर हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब गद्दारी किया, उस तरफ चला गया है और मैं इधर खड़ा हूं, तो मैं थोड़ी ना उतना उसको पहले जैसा और मार पाऊंगा या धकेल दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, तो इसमें भी ऐसा होता है। तो देखो इसमें जो कंबसन होने के बाद जो हाई प्रेशर होता है, वो पहले जितने प्रेशर के साथ पिस्टन को नीचे धकेल रहे थे उतना धकेल नहीं पाएगा, क्योंकि गैस इधर से साइड होकर लीकेज होके निकलेगा, जैसे मेरा टीम का साथ हो रहा है, मेरा 100 आदमी है उसके 50 आदमी है, पहले जब होगा तो अच्छा से कूटेंगे सबको, लेकिन मेरा ही आदमी अगर गद्दारी करके साइड होकर उसके तरफ टीम में जाने लगेगा, तो मेरा धीरे धीरे ताकत कम हो जाएगा, मैं तो जितना पहले उसको हम तेजी से मार देते, धकेल देते, कूट रहे थे, उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, मैं तो कमजोर हो गया हूँ, उसको और कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो तब इधर हाई प्रेशर गैस जब साइड से लीकेज होने लगेगा, तो ये जो गैस बचे रहेगा वो पिस्टन को नीचे मूव नहीं कर पाएगा, नीचे मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो भी गैस इधर होगा, हाई प्रेशर गैस होगा, उसको इसी के अंदर ही रखना है, तो इसी के अंदर रखना है, मतलब इसको टाइट होना चाहिए, मतलब पिस्टन के साथ इंजन सिलेंडर को हमेशा टाइट फिट रहना चाहिए। तो टाइट फिट रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर तो देखो घिस गया है, तो टाइट फिट रहने के लिए पिस्टन को तो इंजन सिलेंडर को तो ठीक रखना पड़ेगा। हाँ तो देखो ये आपका जो घिस गया है, तो आप पूरा क्या इसको बदल देंगे, मतलब जो सिंगल एक कास्टिंग ब्लॉक है, इंजन सिलेंडर एक सॉलिड कास्टिंग ब्लॉक है, इसका पूरा बदलेंगे, इसको तो बदलने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसका डायमीटर बढ़ गया है, इसको सुधारना है, या ऐसा ना हो जाए अगले सिलेंडर ब्लॉक में, इसके लिए आपको कुछ करना है, इसीलिए हम लोग सिलिंड्रिकल लाइनर या सिलिंडर लाइनर का यूज करते हैं। यह क्या करता है, देखो जो इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर में पिस्टन को डालने से पहले हम लोग ये सिलेंडर लाइनर, मतलब एक सिलिंड्रिकल रिंग होता है, उसको हम इंजन सिलेंडर में प्लेस करवा देते हैं, उसको हम डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग पिस्टन डालते हैं, तो पिस्टन जितना भी स्लाइड होगा ठीक है, तो किसको घिसते रहेगा, सिलिंड्रिकल लाइनर या सिलेंडर लाइनर को खींचते रहेगा, सिलेंडर लाइनर भी खींचते जाएगा और पिस्टन भी जैसे धीरे धीरे लंबे टाइम के बाद घिसेगा, तो जब खराब होगा, एक्चुअली जब खराब होगा तो सिलेंडर लाइनर खराब होगा, तो उसको सिर्फ हम लोग चेंज कर देंगे, नया लगवा लेंगे, तो ये तो हम लोग के लिए सस्ता हो रहा है ना, पूरा देखो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, इंजिन ब्लॉक को चेंज करने से अच्छा क्या होगा, अगर हम इंजन सिलेंडर में अगर पहले से ही लाइनर लगा देते हैं, तो समझ आ गया ना मेरा बात, समझा कि नहीं, तो ये आपका देखो इंजन सिलेंडर है, पिस्टन को हमेशा टाइट फिट रहना पड़ेगा, लंबे टाइम चलने के बाद एक घिस जाता है, इसलिए पूरा इंजन ब्लॉक को बदलने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा देखो जो तुम्हारा इंजन सिलेंडर है
उसमें पिस्टन इंसर्ट करने से पहले उसमें एक सिलेंडर लाइनर है, उसको डालो सबसे पहले। ओके, उसके बाद तुम पिस्टन को डालो। इसके बाद लंबे टाइम, लग एक दो दिन में कुछ नहीं होता, जैसे मैं एग्जांपल में बोल रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत दिन बाद जब धीरे धीरे घिसेगा तो सिलेंडर लाइनर लाइनर ही घिसेगा, तो घिसेगा तो क्या प्रॉब्लम है, लाइनर को हम लोग बदल लेंगे। लाइनर का अगर कॉस्ट सोचो 150 रुपया होता है, या एग्जाम्पल समझ लो 150 रुपया होता है, और ये पूरा इंजिन ब्लॉक का कितना कॉस्ट होगा, लगभग तुम्हारा 2000 का कॉस्ट होगा। तो कौन ज्यादा सस्ता है, कौन ज्यादा इकोनॉमिकल है, सिलेंडर लाइनर। इसलिए अच्छा है कि सिलेंडर को देखो घिसने से बचाने के लिए उस इंजन सिलेंडर में एक लाइनर लगा दो। ओके, अब देखो, पढ़ो थ्योरी पढ़ो और अच्छा से समझ आएगा। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द सिलेंडर फ्रॉम वियर एंड डैमेज। इंजन सिलेंडर को घिसने से, टूटने से, फूटने से या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लाइनर प्रोवाइड किया जाता है। इट इज ए सिलिंड्रिकल लाइनिंग या रिंग, आइदर वेट एंड ड्राई टाइप। देखो, इंजन सिलेंडर सिलिंड्रिकल होता है, पिस्टन भी सिलिंड्रिकल शेप होता है, और लाइनर भी सिलिंड्रिकल होता है। तो लाइनर एक रिंग का जैसा होता है, छल्ले के जैसा होता है, उसको इंजन सिलेंडर में इंसर्ट किया जाता है। कब इंसर्ट किया जाता है, पिस्टन को इंजन सिलेंडर में इंस्टॉल करने से पहले। ओके, और ये आपका लाइनर दो टाइप में अवेलेबल होता है, एक वेट टाइप और ड्राई टाइप। इसीलिए बोला है लाइनर इज इंसर्टेड इन द इंजन ब्लॉक इन व्हिच द पिस्टन स्लाइड। देखो, जहां पे सिलेंडर है उसमें लाइनर को इंस्टॉल कर दो, उसके बाद पिस्टन को डालो, और पिस्टन फिर उसके ऊपर लाइनर का ऊपर स्लाइड होते रहेगा, वो अपने रेसिप्रोकेटिंग मोशन को करते रहेगा। फ्रिक्शन होगा, लेकिन खराब होगा कौन, खराब बहुत दिन के बाद अगर खराब होगा तो लाइनर ही खराब होगा, जो लो कॉस्ट के हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इंजन ब्लॉक के ऊपर या सिलिंड्रिकल ब्लॉक के ऊपर। ओके, लाइनर्स आर क्लासिफाइड एज ड्राई लाइनर एंड वेट लाइनर। लाइनर भी टू टाइप होता है। ड्राई लाइनर, इट मेक्स मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट विद द इंजिन ब्लॉक कास्टिंग। एक्चुअली इंजिन ब्लॉक कास्टिंग में लाइनर को इंसर्ट किया जाता है और उसमें मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होता है, मतलब वो सूखा रहता है। और वेट लाइनर, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूलिंग वाटर, वेयर एज ड्राई लाइनर्स डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द कूलिंग वाटर। देखो, एक्चुअली ड्राई और वेट, वेट मतलब भीगा रहता है, तो भीगा रहने के लिए लाइनर में कूलिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ नहीं है, और ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लाइनर टू टाइप होता है, वो आप जान लीजिए, उसमें मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्योंकि वो सूखा है, और जो वेट लाइनर है उसमें कूलिंग वाटर दिया जाता है, इसलिए उसमें मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। देखिए, इन एल्यूमिनियम इंजिन ब्लॉक, इंजिन ब्लॉक को सिलेंडर ब्लॉक कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर ब्लॉक है या इंजन ब्लॉक है, अगर ये एल्यूमिनियम से बने होते हैं तो उसमें कास्ट आयरन लाइनर यूज किया जाता है, उसमें कास्ट आयरन लाइनर यूज किया जाता है। ओके, एक्चुअली ऐसा होता है। अब देखो फिगर से आपको और अच्छा से समझ आएगा। इंजन का जो मेन पार्ट है सिलेंडर, ऊपर है ये आपका डिटेचेबल पोर्शन है जो सिलेंडर हेड आप जानते हैं, और एक पार्ट होता है सिलेंडर ब्लॉक जिसे इंजन ब्लॉक कहते हैं। तो ये भी एक सिंगल पीस कास्टिंग है, और ये आपका एक देखिए सॉलिड ब्लॉक है, तो ये आपका सॉलिड ब्लॉक कास्टिंग है, और इसमें देखो एक होल रहता है, यही सिलेंडर है, ठीक है। इस होल को ही सिलेंडर कह रहे हैं, और इसमें हम लोग ऐसा सिलेंडर लाइनर क्या करते हैं, इस होल में जाकर डालते हैं, सिलेंड्रिकल होल में जाकर डालते हैं। उसके बाद ये जो पिस्टन है, पिस्टन को इसमें जाके इंस्टॉल करते हैं,
फिर क्या होता है, फिर देखो सिलेंडर में सिलेंडर लाइनर इंस्टॉल करते उसके बाद पिस्टन को लगाया है, तो फिर पिस्टन सिलेंडर लाइनर के ऊपर स्लाइड होते रहेगा और वो अपने रेसिप्रोकेटिंग मोशन को बरकरार रखेगा। ओके, तो इतना ही अभी के लिए आप लोगों का जरूरत है, इतना आपको समझ आ गया है। ओके, इसलिए मैंने बोला कि इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक एक सॉलिड कास्टिंग ब्लॉक होता है जिसमें एक देखिए बीच में होल है, वो आपका सिलिंड्रिकल होल है या वो आपका इंजन सिलेंडर है, उसमें सिलेंडर लाइनर ऐसे जाके फिट होता है, ऐसे जाके फिट होता है और उसके बाद पिस्टन जाके फिट होता है। और हमेशा आप याद रखिए पिस्टन के साथ सिलेंडर लाइनर का हमेशा टाइट फिट रहेगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए ताकि उसमें पास से गैस ना निकल जाए। ओके, पिस्टन शुरू से सिर्फ पिस्टन बोल है। अब पिस्टन के बारे में जान लेते हैं, पिस्टन इज ए सिलिंड्रिकल शेप व्हिच रेसिप्रोकेट्स या स्लाइडिंग इनसाइड द इंजन सिलेंडर। मैंने तो अब भी बोला कि पिस्टन एक सिलिंड्रिकल शेप होते हैं और जो इंजन सिलेंडर में स्लाइड होता है या वो अपने रेसिप्रोकेटिंग मोशन को करते रहता है। इट इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड बाय ए पिस्टन पिन। देखो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टिंग रॉड का यूज करते हैं, तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है पिस्टन पिन के माध्यम से, या जिसे हम लोग रिस्ट पिन या गजन पिन कहते हैं। द फोर्स ऑफ द एक्सपेंडिंग गैसेस अगेंस्ट द क्लोज एंड ऑफ द पिस्टन फोर्सेस द पिस्टन डाउन इन द सिलेंडर। देखो ठीक है, ये जो तुम्हारा पिस्टन होता है ना, पिस्टन का एक ऊपर वाला पोर्शन क्लोज होता है और नीचे वाला पोर्शन ओपन होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है, देखो द फोर्स ऑफ द एक्सपेंडिंग गैसेस, जब कंबसन होता है, कंबसन होने के बाद हीट एनर्जी उत्पन्न होता है और उससे जो हाई प्रेशर जो क्रिएट होता है उससे क्या होता है पिस्टन को नीचे धकेलते हैं, इसलिए वही बोला द फोर्स ऑफ एक्सपेंडिंग गैसेस अगेंस्ट द क्लोज एंड ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का क्लोज एंड में फोर्सेस लगाते हैं। ओके, फोर्सेस द पिस्टन डाउन इन द सिलेंडर, और क्या करना चाहते हैं वो फोर्स देके हाई प्रेशर देके पिस्टन को नीचे भेजने का कोशिश करते हैं और करते भी है। ओके, दिस कॉजेस द कनेक्टिंग रॉड टू रोटेट द क्रैंकशाफ्ट, और ये जब नीचे आता है इसी को ही तो फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, इसी को ही कह रहे रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और इसी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड यूज होता है, और कौन करता है क्रैंकशाफ्ट करता है। ओके, कास्ट आयरन इज चूजन ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो इसका ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगते हैं, क्योंकि ये देखो टीडीसी पर जब रहता है और ऊपर से हाई प्रेशर गैस जब लगते हैं जैसे लेड वेट होता है, जितना भी आप कंप्रेस करिएगा जितना भी ऊपर उसके ऊपर लोड रखिएगा वो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, तो ये भी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला ही होते हैं ताकि ऊपर से जितना भी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है उसको सहन कर सके, ठीक है। तो कास्ट आयरन से बने होते हैं पिस्टन क्योंकि उसका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय प्रेफर्ड मेनली ड्यू टू इट्स लाइटनेस, और कभी कभी देखो कास्ट आयरन होता है तो ठीक है, लेकिन कास्ट आयरन से आयरन है ना भारी ज्यादा हो जाता है, पिस्टन को नीचे धकेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पिस्टन का जब इजिली नीचे धकेलना पड़ेगा तो इसके लिए अगर हम लोग एल्यूमिनियम तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, उसके एलॉय से बने अगर पिस्टन के यूज करते तो क्या होगा वो लाइट होता है, उसके लाइटनेस के कारण उतना भी फोर्स या उतना भी प्रेशर नहीं लगता है पिस्टन को सिलेंडर के नीचे भेजने के लिए, ठीक है। इसीलिए एल्युमिनियम के एलॉय से भी बने पिस्टन का यूज किया जाता है क्योंकि उतने फोर्स उसको देके सिलेंडर के नीचे उसको भेजना नहीं पड़ता है, वो लाइट होता है इजीली वो नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता फिर ऊपर आता है। ओके, ये आपको समझ आ गया।
बिग इंजन पिस्टन, बड़े इंजन का पिस्टन तो कास्ट आयरन से बनाना पड़ेगा, लेकिन जो स्मॉल इंजन पिस्टन है वो एल्युमिनियम अलॉय से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा तो फोर्स ऊपर से नहीं लगने वाला है, जो थोड़ा बड़ा फोर्स से अगर एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम अलॉय से बने पिस्टन होगा, इजीली उसको नीचे स्लाइड कर पाएगा, तो इसीलिए स्मॉल इंजन में एल्युमिनियम अलॉय पिस्टन भी यूज़ किया जा रहा है। ओके देखो ये पिस्टन है, ये पिस्टन का टॉप पोर्शन है और पिस्टन का ये डाउन पोर्शन। पिस्टन का टॉप पोर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टन हेड या क्राउन, ठीक है, और बॉटम पोर्शन को कहते हैं स्कार्ट, SKIRT या पिस्टन स्कार्ट। ओके और देखो गजन पिन है, कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड देखो स्प्लिट है और इसमें क्रैंकशाफ्ट फिट होता है। तो एक्चुअली देखो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड यूज होता है, लेकिन कौन करता है रोटरी मोशन में, कौन कन्वर्ट करता है, क्रैंकशाफ्ट करता है। और क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तो बाइक फोर व्हीलर का व्हील भी घूमने लगता है और फोर व्हीलर भी आगे बढ़ता है। ओके ये आपको समझ आ गया है, ये पिस्टन होता है। अब पिस्टन के बारे में और डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पिस्टन आर, पिस्टन के मेन फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसमिट द पावर डेवलप बाय द फ्यूल कंबशन टू द क्रैंकशाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। देखो जो फ्यूल कंबशन हुआ उसे हाई प्रेशर गैस से पिस्टन को नीचे धकेल रहा है, फिर पिस्टन ऊपर जा रहा है, नीचे धकेल रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे खुद इंजन सिलेंडर में रेसिप्रोकेट हो रहा है। ऐसे अगर खुद होता है तो इंजन में कोई उसका काम होता है, सिर्फ वो रेसिप्रोकेट होने के लिए उसको रखा जाएगा, उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को तो कुछ काम में यूज करना पड़ेगा, तो उसको उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट में भेजा जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट तक भेजा जाता है, क्रैंक शाफ्ट उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ओके टू ट्रांसफर द हीट जनरेटेड ड्यू टू कंबशन टू द सिलेंडर वॉल। देखो इंजन सिलेंडर है, ये पिस्टन है, हाई प्रेशर लग रहा है और इसमें से पहले से हीट है, प्रेशर के कारण कंबशन हुआ और ज्यादा हीट है, तो ही और क्या करते हैं पिस्टन, क्या करता है हीट को सिलेंडर के वॉल में, एक्चुअली सिलेंडर कहाँ पे होता है, सॉलिड कास्टिंग ब्लॉक में होता है, तो पिस्टन क्या करता है, पिस्टन हीट को डिसिपेट कर देता है, सिलेंडर वॉल में भेज देता है हीट को कम करने के लिए। ओके क्योंकि उसको हीट नहीं चाहिए, उसको हैवी प्रेशर चाहिए सिर्फ। ओके फंक्शन हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ ए पिस्टन, पिस्टन के लिए क्या जरूरत है, एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर उसको सहन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही क्या कह रहा था, 700 से 900 या कुछ ऐसे टेम्परेचर मैंने बोला, उतना टेम्परेचर होता है वो, एक बार आप पहला क्लास में एक बार देख लीजिएगा। और हाई प्रेशर ऑफ कंबशन मतलब प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा लगने वाला है और उसमें कॉम्प्रेसिव प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए उसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए उस मटेरियल का। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर अगर नहीं होगा तो वो सिलेंडर वॉल में हीट को डिसिपेट नहीं कर पाएगा, नहीं भेज पाएगा। लाइट एनअप टू मिनिमाइज द इनर्शिया लोड, और उसको लाइट भी होना पड़ेगा जितना हो सके, इसलिए तो एल्यूमिनियम अलॉय का बने पिस्टन का यूज किया जा सकता है, ठीक है, इनर्शिया लोड को कम करने के लिए। अब देखो मैंने क्या बोला, पिस्टन के ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं पिस्टन हेड या क्राउन और पिस्टन के नीचे वाला पोर्शन को कहते हैं पिस्टन स्कर्ट। इट इज द टॉप पोर्शन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का एकदम ऊपरी भाग है। इट इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल। देखो फ्यूल का जब भी कंबशन होता है उसके बाद हाई प्रेशर सिलेंडर पिस्टन का एकदम टॉप सरफेस में लगता है, तो टॉप सरफेस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर को भी सहन सकते हैं, क्योंकि कंबशन हुआ पूरा पिस्टन के ऊपर
हाई प्रेशर दे रहा है और पूरा टेम्परेचर भी उसके ऊपर आ रहा है, मतलब पिस्टन का टॉप सरफेस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को, कंप्रेसिव प्रेशर को झेल सकते हैं और हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके देखो फोर टाइप्स ऑफ हेड होता है, ये देखो एक पिस्टन, इसका टॉप पोर्शन को क्राउन कहते हैं या पिस्टन हेड कहते हैं। तो पिस्टन हेड भी फोर टाइप्स होता है, फ्लैट हेड होता है, डोम्ड हेड या डिफ्लेक्शन हेड सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्केव हेड होता है। फ्लैट हेड में देखो इट इज द सिंपल इन शेप एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये देखो फ्लैट होता है और जनरली फ्लैट हेड यूज किया जाता है। डोम हेड जैसे डोम्ड कैप नॉट आप पड़े हैं, कैप नॉट में क्या होता है, नॉट है तो उसके ऊपर कैप रहता है, उसी को डोम कैप नॉट कहते हैं। तो इसमें भी डोम हेड में भी क्या होता है, ऐसे कवर जैसा रहता है, उसी को डिफ्लेक्शन हेड कहते हैं। तो देखो ये जो पिस्टन है, पिस्टन का ऊपरी भाग कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, डिफ्लेक्शन टाइप होता है। इट इज ए प्रोजेक्शन सेफ लाइक ए डोम ऑन द क्राउन, मतलब क्राउन में एकदम डोम जैसा प्रोजेक्शन सेफ होता है। डोम कैप नॉट अगर आप सुने हैं, मेरा क्लास देखा तो आप जानते हैं। तो वैसे ही उसके टॉप में क्या होता है, ऐसे डोम जैसे प्रोजेक्शन होता है। ओके इसीलिए डिफ्लेक्शन हेड इसे कहते हैं और डोम हेड कैसे कहते हैं। और इससे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू व्हीलर में हम लोग कौन सा हेड पिस्टन यूज करते हैं, तो टू स्ट्रोक इंजिन में हम लोग डोम हेड या डिफ्लेक्शन टाइप पिस्टन हम लोग यूज करते हैं। टू स्ट्रोक इंजिन में डिफ्लेक्शन टाइप पिस्टन, डिफ्लेक्शन हेड पिस्टन हम लोग यूज करते हैं। समझ आ गया ना कि टू स्ट्रोक इंजिन में हम लोग डिफ्लेक्शन हेड पिस्टन यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट कॉनकेव हेड, मतलब हेड सिर्फ कॉनकेव होगा, इट इज ए कॉनकेव कैविटी ऑन द टॉप, इट इज यूज हाई कंप्रेशन डीजल इंजिन, हाई कंप्रेशन डीजल इंजिन में इसको यूज किया जाता है टू रिड्यूस द क्लियरेंस स्पेस, क्लियरेंस स्पेस को कम करने के लिए। तो हाई कंप्रेशन डीजल इंजन में जब आपको क्लियरेंस को कम करना पड़ेगा तो कौन सा आप हेड पिस्टन यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव हेड पिस्टन यूज करना पड़ेगा। इन चार हेड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि टू स्ट्रोक इंजन में कौन सा हेड पिस्टन यूज होता है, तो डिफ्लेक्टिव टाइप या डिफ्लेक्शन टाइप या डोम टाइप पिस्टन हेड यूज होता है। इरेगुलर हेड में ऐसा ऐसा हेड आपका होता है और ये आपका हाई कंप्रेशन डीजल इंजन में यूज किया जाता है मेनली। जो सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच पिस्टन हेड इज यूज फॉर हाई कंप्रेशन डीजल इंजन टू रिड्यूस द क्लियरेंस स्पेस, तो तब आपको ये करके आना है कॉनकेव हेड। ये दो से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन, मतलब पिस्टन का जो निचले भाग होता है, बॉटम सरफेस होता है, उसे स्कर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पिस्टन रिंग्स, देखो इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर को घिसने से, टूटने फूटने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सिलेंडर लाइनर यूज किया जाता है। ओके उसके बाद पिस्टन को इंसर्ट किया जाता है। सिलेंडर लाइनर भी मेटल है, पिस्टन भी मेटल है, दोनों क्या होता है कांटेक्ट में रहता है, तो पिस्टन सिलेंडर लाइनर में स्लाइड होता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, यही उसका काम होता है। काफी लंबे टाइम तक जब यूज होता है सिलेंडर लाइनर अगर घिसता है तो उसको हम बदल के दूसरा सिलेंडर लाइनर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जब पिस्टन आपका डैमेज हो जाता है, घिस जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो तब आप क्या करेंगे, तो पूरा पिस्टन को चेंज करेंगे, ये तो काफी कॉस्टली हो जाता है। जैसे सिलेंडर ब्लॉक था, सिलेंडर ब्लॉक पूरा बदलने से अच्छा क्या उसमें सिलेंडर लाइनर यूज करना। पिस्टन में भी सेम टू सेम होता है, पिस्टन अगर घिस जाता है तो पूरा पिस्टन को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। उसकी जगह में अगर हम लोग सिर्फ रिंग्स को बदलते हैं तो काफी सस्ते में हो जाएगा। तीन रिंग आपको यूज करना पड़ेगा, दो कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग। ओके
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए देखो ये इंजन सिलेंडर है और इसी में लाइनर हम लोग इंस्टॉल कर दिए पिस्टन को इंजन सिलेंडर में इंसर्ट करने से पहले, फिर पिस्टन इसमें डाला गया, ठीक है। अब पिस्टन को हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होने देंगे सिलेंडर लाइनर के साथ, इसीलिए पिस्टन में स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, इधर एक रिंग लगाते हैं और इधर एक रिंग लगाते हैं और नीचे ऑयल रिंग को हम लोग लगाते हैं। तो एक्चुअली देखो पिस्टन सिलेंडर लाइनर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, कौन से पार्ट कांटेक्ट में है, रिंग्स सिर्फ कांटेक्ट में होते हैं सिलेंडर लाइनर के साथ। वैसे स्लाइड होते होते जब लंबे टाइम तक चलते रहेगा तो घिसेगा, तो लाइनर घिसेगा तो लाइनर चेंज करेंगे, अदरवाइज जब रिंग्स घिसेगा तो रिंग को बदल लेंगे। तो इसमें हमको ना पूरा इंजन ब्लॉक को बदलना पड़ रहा है ना पिस्टन को बदलना पड़ रहा है, तो काफी सस्ते में हो जा रहा है एक लाइनर का यूज करना, तीन रिंग का यूज करना जो काफी सस्ता होता है। तो इसीलिए हम लोग पिस्टन रिंग का यूज करते हैं और पिस्टन रिंग जो होता है वो इस सिलेंडर सिलिंड्रिकल रिंग का सब एकदम टाइट फिट होता है, एकदम टाइट फिट होता है, मतलब ज्यादा से भी गैस को पास नहीं होने देगा। और नीचे जो ऑयल रिंग होता है वो ऑयल को ऊपर जाने में, ऊपर जाने से रोकता है। ओके देखो फिगर देखो, सबसे पहले फिगर देखना है तब समझ आएगा। देखो इंजन सिलेंडर है, ओके उसमें लाइनर हम लोग सबसे पहले इंसर्ट करते, उसके बाद पिस्टन को इंसर्ट किए हैं। पिस्टन देखो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है इंजन सिलेंडर के साथ, एक दो रिंग जिसे लाल रिंग को हम लोग कह रहे हैं, लाल कलर में हम जस्ट इंडिकेट किया, ऊपर में जो दो रिंग होते उसे कॉम्पिटेशन रिंग कहते हैं और नीचे जो रिंग होता है उसे ऑयल रिंग कहते हैं। तो देखो ये रिंग पोर्शन एक्चुअली इंजन सिलेंडर के साथ कॉन्टेक्ट में है, या आप बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल लाइनर के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो घिसेगा तो रिंग घिसेगा अदरवाइज लाइनर घिसेगा। ओके तो देखो ये जो रिंग है ये टाइट फिट क्यों होता है, क्योंकि ऊपर में जब आपका कंबसन होता है उसमें से जो हाई गैस, हाई प्रेशर गैस होता है, वो हाई प्रेशर गैस पिस्टन को नीचे धकेलता है, वो गैस अगर धीरे धीरे साइड से आने लगेगा लीकेज होने का कारण, उतना थोड़ी ना प्रेशर से पिस्टन को नीचे धकेल पाएगा, नहीं धकेल पाएगा। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दिया हूँ कि मेरा टीम में 100 आदमी है और मेरा सामने वाला टीम का 50 आदमी है, जैसे पहले मारपीट होगा तो हम लोग जीतेंगे, हम लोग उसको अच्छे तरह से कूटेंगे, लेकिन जब मेरा आदमी धीरे धीरे साइड होकर निकलते जाएगा और उसके टीम में ज्वाइन होता रहेगा तो हम धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, हम उतने थोड़ी ना मेरा सामने वालों को मार पाएंगे या उसको थोड़ी ना पहले जैसा कूट पाएंगे, तो नहीं पाएंगे, क्योंकि सब मेरा जो भी सात आदमी था वो साइड होकर चला गया, मेरा साथ गद्दर ही किया क्योंकि वो पास होकर पहले चला गया। तो वैसे ही हाई प्रेशर गैस को कभी भी ये पास होकर इधर से निकालने नहीं देना है, तो ये रोकने के लिए एक्चुअली कॉम्प्रेसर रिंग को दिया जाता है। ओके और इधर देखो एक क्रैंकशाफ्ट रहता है और ये नीचे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। तो जब भी क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो लुब्रिकेशन को ऊपर छिड़कता है, तो ये लुब्रिकेशन एकदम ऊपर ना पहुंच जाए, इसीलिए लुब्रिकेशन का लिमिट को इधर तक ही रहने देते हैं। ये ऑयलिंग भी एकदम लाइनर के साथ परफेक्ट फिट होता है, तो ऑयल इधर तक जाता है लेकिन ऊपर नहीं जाता क्योंकि ऑयल रिंग उसको रोक देता है। इतना समझ आ गया, अब डिस्कशन शुरू करते। देखो इट इज ए स्प्लिट एक्सपेंशन रिंग, स्प्लिट एक्सपेंशन रिंग मतलब एक छल्ले ही होता है, एक रिंग ही होता है, सिर्फ बीच से खुला होता है। हमको जब भी पिस्टन में डालना है तो हम ऐसे घुमा के उसके अंदर डालेंगे फिर उसको सीधा कर देंगे। ओके
प्लेस्ड इन द ग्रुप्स ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के ग्रुप या स्लॉट में उसको प्लेस किया जाता है। दे आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन, ये भी कास्ट आयरन से बने होना चाहिए क्योंकि आपका सिलेंडर लाइनर भी कास्ट आयरन से बने होते हैं, या प्रेस्ड स्टील एलॉय से बने होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ द रिंग्स आर एज फॉलोज, तो रिंग किस लिए यूज किया जाता है, उसका कार्य क्या होता है। इट फॉर्म्स ए गैस टाइट कंबसन चेम्बर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द पिस्टन। देखो गैस टाइट कंबसन चेम्बर बनाते हैं, मतलब गैस टाइट कंबसन चेम्बर बनाते हैं, मतलब इधर जो आपका कंबसन चेम्बर में कंबसन हुआ है उसमें जो हाई प्रेशर गैस है उसको ऊपर ही रहने देते हैं, उसको लीकेज होने नहीं देता है, ताकि ऊपर रहेगा तो वो पिस्टन को अच्छा से धकेल पाएगा। ओके, इसलिए गैस टाइट बनाने के लिए रिंग्स बहुत रिंग का यूज किया जाता है। इट रिड्यूसेस कंटेक्ट एरिया बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड पिस्टन वॉल, प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन लॉसेस एंड एक्सेसिव वेयर। देखो एक चीज देखो, सबसे पहले क्या था, मैं बोला इंजन सिलेंडर और बोला पिस्टन, ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता इसका पूरा सरफेस, इसका पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा था, वो ज्यादा घिस रहा था। ओके छोड़ो, तो हम लोग क्या किया, हम लोग अगर सिलेंडर में लाइनर लगा दिए और इसके बाद अगर हम लोग पिस्टन को भी टाइट फिट कर दिए, तो इसमें देखो पिस्टन का पूरा सरफेस, इधर भी पूरा सरफेस लाइनर के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, फ्रिक्शन उसमें ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो सिर्फ तीन रिंग यूज करते हैं, मतलब एक्चुअली लाइनर के साथ सिर्फ तीन पोर्शन में कनेक्ट होता है, मतलब तीन पोर्शन में फ्रिक्शन होता है, संपर्क में तीन पोर्शन में फ्रिक्शन होता है, बाकी पोर्शन देखो कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, बाकी पिस्टन का पोर्शन लाइनर के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, तो फ्रिक्शन को भी कम कर रहा है ना, समझ आ गया। इट कंट्रोल्स द सिलेंडर लुब्रिकेशन, किसका बात कर रहे हैं, पहले दो पॉइंट किसका बात किए, या पहला पॉइंट जो था कि गैस टाइट चेंबर बनाते हैं, गैस लीकेज नहीं होने देता है, ये किसका काम था, ये था कंप्रेशन रिंग का, कंप्रेशन रिंग का कार्य था। और इसमें क्या बोला थर्ड नंबर में, इट कंट्रोल्स द सिलिंड्रिकल सॉरी सिलेंडर लुब्रिकेशन, सिलेंडर लुब्रिकेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नीचे से स्प्लैश लुब्रिकेशन का कारण क्रैंकशाफ्ट जब ऊपर लुब्रिकेटिंग ऑयल को भेजते हैं तो एकदम कंबसन चेंबर तक ना पहुंच जाए, इसीलिए ऑयल एडिंग का यूज किया जाता है। तो एक किसका काम होता है, ऑयल एडिंग का काम होता है। नेक्स्ट देखो, इट ट्रांसमिट द हीट अवे फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वॉल। देखो एक्चुअली ये तुम्हारा सिलेंडर है, उसमें सिलेंडर लाइनर है, मान लो इसमें पिस्टन है, एक रिंग दो रिंग और तीसरा रिंग, ठीक है, हाई प्रेशर आएगा तो सबसे पहले किसका ऊपर आएगा, पिस्टन के ऊपर आएगा, पिस्टन गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने का कारण क्या करेगा, ये हीट को सबसे पहले रिंग पर भेजेगा, ये तीन रिंग पर भेजेगा, और तीन रिंग क्या करेगा, इस हीट को सिलेंडर वॉल में भेजेगा, या आप बोल सकते हैं तीन रिंग सबसे पहले लाइनर में भेजेगा, लाइनर सिलेंडर वॉल में भेजेगा, ऐसे होता है। ओके समझ आ गया, देखो हर एक पार्ट्स में आप लोगों को समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल तो मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूं, थ्योरी से तो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल समझ आने से कुछ नहीं होता, थ्योरी में कैसे एक्चुअली क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको थ्योरी पढ़ के पता चलेगा। देखो पिस्टन रिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंप्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग, इधर पढ़ो बहुत जल्दी हो जाएगा। कंप्रेशन रिंग आर यूजुअली प्लेन होता है, सिंगल पीस ऑलवेज प्लेस्ड इन द ग्रुप्स ऑफ द पिस्टन नियरेस्ट द पिस्टन हेड। देखो जो कंप्रेशन रिंग होता है ऑटोमोबाइल पर्पस में दो कंप्रेशन रिंग मिनिमम यूज करना होता है और उसको हमेशा पिस्टन के टॉप पोर्शन का तरफ ऊपरी तरफ उसको फिट किया जाता है। दे प्रिवेंट लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर एंड हेल्प इंक्रीजिंग कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। देखो जो भी गैसेस होता है, हाई प्रेशर गैसेस होता है, हाई प्रेशर गैसेस को साइड होकर लीकेज होने से वो रोकते हैं और हाई कंप्रेशन प्रेशर देने में मदद करता है, ठीक है। मिनिमम टू कंप्रेशन रिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन के लिए मिनिमम दो कंप्रेशन रिंग का जरूरत होता है, दो कंप्रेशन रिंग का
जरूरत होता है, और कॉम्प्रेसर रिंग को हमेशा पिस्टन के ऊपरी तरफ फिट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वेल्डिंग्स आर ग्रूव्ड और स्लॉटेड एंड आर लोकेटेड आइदर इन द लोएस्ट ग्रूव अबव द पिस्टन पिन और इन ए ग्रूव अबव द पिस्टन स्कार्ट। देखो, ये पिस्टन होता है, ये एक क्राउन होता है, नीचे स्कार्ट होता है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है जो पिस्टन पिन है उसके ऊपर जो एकदम लास्ट ग्रूव है उसमें जो ग्रूव है उसमें ऑयल लीडिंग फिट कराओ, अदरवाइज स्कार्ट के ऊपर जो लास्ट ग्रूव है उसमें ऑयलिंग फिट करो। ओके, दे कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इन द सिलेंडर एंड द पिस्टन। नीचे आपका ऑयल पैन रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जब भी क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तो उसको कंटिन्यूअसली छिड़कते रहता है, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल ऊपर ना पहुंच जाए इसीलिए उसको रोकने के लिए वेल्डिंग का यूज किया जाता है। मिनिमम एक वेल्डिंग ऑटोमोबाइल इंजन में यूज करना कंपलसरी होता है। ओके, नेक्स्ट पिस्टन पिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट पिन और गजन पिन। पिस्टन पिन को हम लोग गजन पिन या रिस्ट पिन कहते हैं। पिस्टन पिन इज यूज टू ज्वाइन द कनेक्टिंग रॉड टू द इंजिन। देखो, ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में, बिग एंड स्प्लिट होता है और बिग एंड में क्रैंक शाफ्ट होता है। तो देखो, पिस्टन पिन के प्रयोग से हम लोग इंजन के साथ कनेक्टिंग रॉड को जोड़ सकते हैं। यही आपको बोला है कि पिस्टन पिन इज यूज टू ज्वाइन द कनेक्टिंग रॉड टू द इंजन। मतलब ये आपका इंजन है, इंजन के साथ कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए पिस्टन पिन यूज होता है। किससे बने होते हैं, निकेल या क्रोमियम एलॉय स्टील से बने होते हैं। द आउटर सर्फिस इज ग्राउंड होता है, ग्राइंडिंग करके अच्छा से बनाया जाता है, क्रोमियम प्लेटेड होता है और केस हार्डेंड किया हुआ रहता है। तो समझ आ गया कि इंजन का साथ कनेक्टिंग रॉड को फिट करने के लिए पिस्टन पिन या गजन पिन यूज किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रॉड फिटेड इन बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। अभी इमेज से मैं आपको समझाया हूं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रॉड होते हैं जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। मेरा बात सुन लो, कनेक्टिंग रॉड एक स्पेशल रॉड होता है जो इंजन के साथ गजन पिन से फिट होता है, और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है और क्रैंकशाफ्ट उसको रोटरी मोशन में बदल देता है। ओके, तो आप पढ़ो, यही बोला है कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच कनेक्टिंग रॉड होता है। इट्स वन एंड ऑफ व्हिच इज अटैच टू द पिस्टन। इसका एक एंड पिस्टन में फिट होता है पिस्टन पिन से, एंड द अदर एंड टू द क्रैंकशाफ्ट। और अदर एंड दूसरी तरफ क्रैंकशाफ्ट में फिट होता है। इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन टू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। इससे क्या होता है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक वो लेके जाता है, क्रैंकशाफ्ट उसको रोटरी मोशन में बदलते हैं। इट मस्ट बी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड स्ट्रेस एंड ट्विस्टिंग फोर्स। देखो, ये हल्का भी होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग एनफ होना पड़ेगा, ताकि देखो एक्चुअली पिस्टन ऊपर नीच हो रहा है, ठीक है, तो उसको खींच के लेके आ रहा है कनेक्टिंग रॉड और फिर क्रैंकशाफ्ट में उसको भेज रहा है, इसलिए लाइट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसको मजबूत भी है ना होना पड़ेगा, ताकि वो स्ट्रेस और ट्विस्टिंग फोर्स, बेंडिंग फोर्स को भी वो झेल सके। देखो बोला है, स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन बाय गजन पिन। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड गजन पिन से पिस्टन से फिट होता है, एंड बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज स्प्लिट
एंड इज कनेक्टेड टू क्रैंक, और एक किसके साथ कनेक्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, क्रैंक पिन से कनेक्ट होता है, क्रैंक पिन से। ओके देखो सबसे पहले फिगर देख लो, ये देखो स्पेशल टाइप ऑफ रॉड है, स्मॉल एंड बिग एंड, और ये देखो दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्प्लिट बोल रहे हैं। इसको हम लोग पिस्टन में लेके जाएंगे और ये जो गजन पिन है उसे हम लोग पिस्टन के साथ फिट कर देंगे, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको सबसे पहले देखो ऐसे हम लोग खोलेंगे और ये उधर जाएगा और ये पोर्शन इधर आएगा, और बीच में हम लोग क्या डालते हैं, बीच में हम लोग क्रैंक शाफ्ट डालते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एक्चुअली कैसे, इसको हम लोग एक्चुअली कैसे कनेक्ट करते हैं, क्रैंक पिन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, इधर देखते हैं है या नहीं है। ओके ये देखो ये कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये पिस्टन के साथ, पिस्टन के साथ एक्चुअली पिस्टन पिन से कनेक्ट होगा, और ये कहाँ तक आ रहा है, देखो ये एक्चुअली इधर आ रहा है और वो क्रैंक शाफ्ट का साथ कनेक्ट होगा, और किससे कनेक्ट होगा, क्रैंक पिन से कनेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, फिर से मेरा बात सुन लो, क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए क्रैंक पिन यूज होता है। ओके वेट, द कनेक्टिंग रॉड इज मेड ऑफ हाई ग्रेड एलॉय स्टील, कनेक्टिंग रॉड हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बने होते हैं, इट इज ड्रॉप फोर्ज टू आई शेप, और इसको आई शेप में देखो बनाया जाता है, आई शेप जैसा लग रहा है ना, आई शेप जैसा लग रहा है, और ड्रॉप फोर्ज करके बनाया जाता है। इन सम इंजिन्स एल्यूमिनियम एलॉय कनेक्टिंग रॉड आर ऑल्सो यूज, कुछ इंजिन में एल्यूमिनियम एलॉय से बने कनेक्टिंग रॉड भी यूज किया जाता है। द अपर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड हैज ए होल फॉर द पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड के अपर एंड ऊपर वाला एंड में होल होता है पिस्टन पिन के लिए या गजन पिन के लिए। द लोअर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज स्प्लिट, और कनेक्टिंग रॉड के लोअर एंड स्प्लिट होता है, दो हाफ में डिवाइड होता है, सो दैट कैन कनेक्टिंग रॉड कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द क्रैंक शाफ्ट, तो इसीलिए दो हाफ में डिवाइड होता है ताकि कनेक्टिंग रॉड पर क्रैंक शाफ्ट को इंस्टॉल किया जा सकता है। द टॉप एंड द बॉटम हाफ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड आर बोल्टेड टूगेदर, तो इसमें बोला है कि कनेक्टिंग रॉड के जो लोअर पोर्शन होते हैं या लोअर एंड होते हैं वो दो हाफ में डिवाइड होते हैं और दो हाफ को नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है। ओके नेक्स्ट, क्रैंक पिन एंड क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन का यूज किस लिए किया जाता है, देखो कनेक्टिंग रॉड के जो बिग एंड होता है या लोअर एंड होते हैं उसके साथ क्रैंक शाफ्ट को फिट करने के लिए क्रैंक पिन यूज होता है। मेरा बात फिर से सुन लो, कनेक्टिंग रॉड के जो लोअर एंड या बिग एंड होते हैं उसमें क्रैंक शाफ्ट को फिट करने के लिए क्रैंक पिन यूज होता है। इट इज द मेन शाफ्ट ऑफ एन इंजिन व्हिच कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील। देखो इंजिन का जो मेन शाफ्ट है वो है क्रैंक शाफ्ट, ये आपको याद रखना है, इंजन का मेन शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट है, वो क्या करता है, वो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को अब वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये कहां पर भेज रहा है, फ्लाई व्हील तक भेज रहा है ताकि उस पावर रोटरी मोशन पाया तक जा सकता है, व्हील तक जा सकता है, और अपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर वो मूव हो सके। ओके यूजली द क्रैंक शाफ्ट इज मेड ऑफ ड्रॉप फोर्ज स्टील, क्रैंक शाफ्ट साधारण अर्थ ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनाया जाता है, निकेल स्टील, क्रोम वैनेडियम स्टील या निकेल क्रोम स्टील, अदरवाइज निकेल क्रोम
मोलिबोडिनम स्टील, तो इन सब से बनाया जाता है। मैक्सिमम क्रोम हैनिडियम स्टील ज्यादातर जगह में ऑप्शन में रहता है, इन सब चीज आपको याद रखना है। एक क्रैंकशाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ए क्रैंक पिन, वेब्स, क्रैंक आर्म एंड बैलेंसिंग वेट व्हिच आर प्रोवाइडेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्रैंक आर्म फॉर बैलेंसिंग द मेन जर्नल। इसमें क्या क्या पार्ट होता है? क्रैंक पिन होता है, क्रैंक शाफ्ट का पार्ट होता है, क्रैंक पिन, वेब, क्रैंक आर्म होता है, बैलेंसिंग वेट होता है। ओके, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखो, देखो ये एक्चुअली क्रैंक शाफ्ट है, कौन, सॉरी ये, ओके इसमें देखो, इसमें क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग गियर होता है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये आपका फ्लाई व्हील है, क्रैंक पिन होता है। ओके, तो ये सब क्रैंक शाफ्ट का ही पार्ट है। इतना समझ आया? नेक्स्ट, नीचे मैं आपको बताऊंगा कि क्रैंक शाफ्ट के पावर कैसे कैम शाफ्ट में जाता है। वाल्व्स, वाल्व्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। थ्री वाल्व्स आर यूज्ड इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में तीन वाल्व होता है, एक होता है इनलेट, दूसरा होता है एग्जॉस्ट और तीसरा होता है इंजेक्शन वाल्व। और टू वाल्व्स आर यूज्ड इन पेट्रोल इंजन, एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। और पेट्रोल इंजन में इंजेक्शन वाल्व का जगह होता है स्पार्क प्लग यूज होता है, वो तो वाल्व नहीं होता। ओके, इन प्लेस ऑफ इंजेक्शन वाल्व स्पार्क प्लग इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। ओके, और देखो जब भी जहां वाल्व होते हैं उसमें स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग किस लिए होता है? ताकि वाल्व को जब जरूरत है वो मैकेनिज्म का हिसाब से ओपन होगा, बंद होगा, लेकिन बाकी टाइम उसको अपने जगह में स्थिर रखने के लिए स्प्रिंग यूज होता है। तो स्प्रिंग इज यूज टू कीप द वाल्व स्टेबल इन इट्स ओन पोजिशन। वाल्व को वो अपने जगह में स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और वाल्व किस मेटेरियल से बनता है? ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, जो स्पेशल एलॉय स्टील होता है। इसमें देखो वाल्व, वाल्व में जो चैम्फर एंगल होता है, और एक्चुअली सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड में वाल्व होता है। आपको मैं पहले ही बोला कि वाल्व सब सिलेंडर हेड में रहता है, हेड में रहता है, तो सिलेंडर हेड में वाल्व सीट होता है, जहां पे एक्चुअली वाल्व जाके बैठता है, ठीक है। और एक्चुअली वाल्व मैकेनिज्म से क्या होता है, वाल्व ऊपर उठता है तो बाहर की हवा अंदर आता है, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाल्व में क्या होता है, ऊपर उठता है तो अंदर के जली हुई गैस, धुआं सब निकालता है। तो एक्चुअली उठता है वाल्व, फिर जब काम हो जाता बैठ जाता है। तो जो वाल्व सीट कहां पर बने होते हैं, सिलेंडर हेड में बने होते हैं, और उसमें कितना डिग्री चैम्फर होता है, 45 डिग्री चैम्फर होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये देखो वाल्व के जो ए वाला पार्ट होता है, लंबे वाला जो पार्ट होता है, ये लंबे वाला जो पार्ट होता है, इसे वाल्व स्टेम या नॉर्मल स्टेम कहते हैं, इसे फॉलोअर कहते हैं, और इसे इससे कैम कहते हैं, और इसे कैम शाफ्ट कहते हैं। कैम शाफ्ट क्या क्या होता है, ऐसे होता है, और कैम शाफ्ट के साथ एक क्या कनेक्ट होता है, टाइमिंग गियर कनेक्ट होता है, टाइमिंग गियर कनेक्ट होता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें होगा क्या है? इतना आपको समझ आया ना कि हाँ ये देखो फॉलोअर है, ये आपका कैम है, ये आपका कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के साथ एक टाइमिंग गियर कनेक्ट होता है। अब इसमें आओ देखो, ये डायरेक्ट पिस्टन के साथ कनेक्ट हो गया, और इधर के जो टाइमिंग गियर है ये कैम शाफ्ट की टाइमिंग गियर के साथ मैच हो जाएगा, और कैम शाफ्ट की जो टाइमिंग गियर है इसका डायमीटर डाया हमेशा क्रैंक शाफ्ट के टाइमिंग गियर के डायमीटर का दो गुना होता है। इसका डायमीटर का 10 होता है, तो इसका हो जाएगा 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो मैं कैम शाफ्ट का बात कर रहा हूं, तो देखो क्रैंक शाफ्ट के टाइमिंग गियर के साथ ए कनेक्ट होता है, कैम शाफ्ट का टाइमिंग गियर कनेक्ट होता है। इसीलिए देखो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, ये दो जब एक दूसरे पे मैच होता है, या जिसे आप गियर का मेस कहते हैं, एम ई एस एच, तो ये जब दो बार घूमता है ना, तो ये तब एक बार घूमता है, ये जब दो बार घूमता है, क्योंकि इसका डायमीटर 10 है,
जब दो बार घूमेगा 20 होगा, तो ये तब पूरा एक बार घूमेगा, तो तब जाके ये जब एक बार घूमेगा तब जाके वाल्व ओपन होगा, फिर ये जब दो बार घूमेगा फिर ये भी तब दो बार घूमेगा, तो उधर जाके एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। मतलब ये होता है एक्चुअली वाल्व मैकेनिज्म। नीचे आप और भी डिटेल में समझाते हैं, सब समझ में आएगा। ओके, देखो फंक्शन ऑफ वाल्व, वाल्व का क्या कार्य होता है, टू ओपन एंड क्लोज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का इनलेट और आउटलेट वाल्व को ओपन करना और बंद करना काम होता है वाल्व का। ठीक है, वाल्व का काम बोला है ना, मतलब जो सिलेंडर हेड में पैसेज बने होते हैं वाल्व के लिए या जो सीट बने होते हैं, तो उसको खोलना और बंद करना वाल्व का काम होता है। टू डिसिपेट हीट थ्रू इट्स सीट टू द इंजिन हेड। तो जब कंबसन होता है, इंजिन हेड में कंबसन होता है, कंबसन चेंबर उसमें होता है, तो वो हीट को क्या करता है, वो हीट को भी डिसिपेट कर देता है, क्योंकि वाल्व क्या करता है, वो ऐसे 45 डिग्री एंगल में रहता है, वो भी हीट को बाहर वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन काम होता है, देखो वाल्व का काम होता है, जो भी सिलेंडर हेड में वाल्व सीट बने होते हैं, तो उसमें वो प्रॉपर टाइम में उठना और प्रॉपर टाइम में बैठना, मतलब खोलना और बंद करना वाल्व का मेन काम होता है। नेक्स्ट देखो, ये जो वाल्व है इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो उस वाल्व का नाम हो जाता है पॉपेट वाल्व। और पॉपेट वाल्व कहाँ पे यूज होता है, पॉपेट वाल्व इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल पर्पस। ऑटोमोबाइल पर्पस में पॉपेट वाल्व यूज होता है, मतलब ये जो वाल्व है इसको सिर्फ उल्टा कर देते हैं तो ये आपका पॉपेट वाल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बोला है वाल्व के फेस को हम लोग 30-45 डिग्री एंगल में चैम्फर करते हैं, ओके, ताकि सिलेंडर हेड में बने वाल्व सीट या वाल्व पैसेज पर प्रॉपरली जाके बैठ सके। ओके, देखो नॉर्मली मैं अगर बात करता हूँ, सोचो ऐसे अगर वाल्व सीट ऐसा होता और वाल्व अगर ऐसे वो बैठता, तो इसमें से निकालने का चांसेस ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा अगर 45 डिग्री एंगल में बनेगा ना, तो इसमें वी फिटिंग देखना और अच्छा होगा। ओके, जैसे आप कभी स्टार फिटिंग किया, स्टार फिटिंग में देखना, तो वैसे अगर 45 डिग्री में चैम्फर होता है, तो उसमें से गैस निकालने का, लीकेज होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। ओके, वेट, देखो इसमें क्या बोला, इन ए फोर स्ट्रोक इंजिन ईच वाल्व ओपन्स वंस टू रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। मैंने आप लोगों को अभी कहा ना कि क्रैंकशाफ्ट जब दो बार घूमेगा, क्योंकि उसके साथ जो गियर कनेक्ट होता है स्मॉल गियर होता है, वो जब दो बार घूमेगा तो कैमशाफ्ट के गियर टाइमिंग गियर एक बार घूमेगा, तो एक बार वाल्व ओपन होगा। मैं आपको बोला हूं, दैट्स व्हाई द वाल्व इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द मैकेनिज्म, मतलब वाल्व जो जिस मैकेनिज्म में ऑपरेट होता है, शुड रन द हाफ ऑफ द इंजन स्पीड, मतलब वो इंजन स्पीड का हाफ स्पीड में वो चलता है, क्योंकि देखो एक्चुअली नीचे मैं आपको बताता हूँ, वेट, फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इधर तक सब समझ आ गया है। देखो ये आपका क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक क्रैंक है, एक क्रैंक शाफ्ट है, इसको अगर आप नीचे रहते हैं तो ये आपका एक पुली होता है, एक वाइब्रेशन डैम्पर होता है, तीसरा ये आपका गियर या स्प्रॉकेट होता है जिसे आप टाइमिंग गियर कहते हैं। उसके साथ इधर आपका, मैंने आप लोगों को बोला कि वाल्व मैकेनिज्म रहता है, वाल्व मैकेनिज्म में क्या रहेगा, कैम फॉलोअर क्रैंकशाफ्ट रहेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक टाइमिंग गियर होगा, तो कैम शाफ्ट के जो टाइमिंग गियर होगा उसके डायमीटर ज्यादा होगा, डबल होगा, किसका तुलना में, क्रैंक शाफ्ट के टाइमिंग गियर के डायमीटर का तुलना में। ठीक है, ये अगर डी होता है तो कैम शाफ्ट के टाइमिंग गियर के डायमीटर 2D होगा। ओके, इसीलिए देखो ये जब आपका, इधर से मैं बताता हूं, सबसे पहले इधर आपका जब भी हाई प्रेशर गैस पिस्टन को नीचे धकेलेगा तो ये आपका नीचे आएगा, तो ये कनेक्टिंग रॉड से रेसिप्रोकेटिंग मोशन को इधर रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, तो ये आपका गियर भी घूमेगा। गियर जब एक बार घूमेगा तो ये बड़ा वाला गियर है, कैम शाफ्ट का बड़ा वाला गियर है, ये आधा घूमेगा, फिर और एक बार जब घूमेगा फिर ये आपका पूरा एक चक्कर घुमाएगा, कैम शाफ्ट का टाइमिंग गियर, तो ये जब एक चक्कर घूमेगा तो आपका वाल्व एक बार ओपन होगा। वैसे एग्जॉस्ट वाल्व के लिए
ये तो आपको समझ आ रहा है ना एक्चुअली कैसे कैसे कनेक्ट होता है, ओके okay? इसीलिए बोला है, अब देखो लास्ट लाइन पढ़ो कि फोर स्ट्रोक इंजन में ईच वाल्व ओपन्स वंस इन टू रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का दो रोटेशन में एक बार वाल्व ओपन होता है, दैट्स व्हाई वाल्व इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द मैकेनिज्म शुड रन हाफ ऑफ द इंजन स्पीड, इंजन जिस स्पीड में चल रहा है उसके हाफ स्पीड में उसका मैकेनिज्म एक्चुअली काम कर रहा है, ओके okay, मेन है कि क्रैंकशाफ्ट का जो टाइमिंग गियर उसका डायमीटर छोटा है बट कैमशाफ्ट का टाइमिंग गियर का डायमीटर बड़ा है, इसीलिए जब क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग गियर दो बार घूमता है तो कैमशाफ्ट का टाइमिंग गियर तब एक बार घूमेगा और एक बार वाल्व ओपन होगा, ओके इसीलिए बोला दो रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट का, दो रेवोल्यूशन में वाल्व एक बार ही ओपन होता है। कैमशाफ्ट पढ़ो, कैमशाफ्ट इट इज ए शाफ्ट व्हिच रेजेस या लोअर्स द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व एट प्रॉपर टाइम। मैंने पहले ही बोला था कि वाल्व मैकेनिज्म, देखो इधर मैंने बोला था ना ये आपका वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व मैकेनिज्म में क्या रहता है कैम फॉलोअर और कैम शाफ्ट होता है सी ए एम, ठीक है। और अभी हम लोग कैम शाफ्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब वाल्व को ओपन करना और क्लोज करना किसका काम होगा, कैम शाफ्ट का काम होगा, ठीक है। इसीलिए बोला इट इज ए शाफ्ट व्हिच ओपन्स और क्लोजेस इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व एट प्रॉपर टाइम, सही टाइम पर इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व को ओपन करना और बंद करना काम होता है कैमशाफ्ट का। कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट बाय मींस ऑफ गियर, देखो कैमशाफ्ट को चलाना कौन करता है, कौन चलाता है, क्रैंकशाफ्ट चलाता है, वो भी गियर के माध्यम से, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग गियर होता है उसका साथ कैमशाफ्ट का टाइमिंग गियर मेस होता है। और देखो इसीलिए बोला कैमशाफ्ट इज ड्रिवन By crankshaft, by means gear chain और sprocket, हम लोग किसी एक से actually crankshaft का power camshaft तक भेज सकते हैं। The speed of the camshaft is exactly half of the speed of the crankshaft in four-stroke engine. Four-stroke engine में क्या बोल रहे हैं कि crankshaft का जो speed होता है उसका आधा speed होता है camshaft का। Okay, देखिए spelling का ध्यान दीजिए camshaft का। Okay. इसीलिए देखिए द स्पीड ऑफ द कैमशाफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ द स्पीड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इन फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट का स्पीड होगा उसका आधा स्पीड होता है कैमशाफ्ट में, क्यों, क्योंकि कैमशाफ्ट ऑपरेट्स द वेट, वो डायमीटर वाला नहीं दिया ना, क्यों क्यों होता, मैंने आपको बोल दिया क्यों होता है, क्योंकि कैमशाफ्ट के साथ जो अटैच होते हैं टाइमिंग गियर उसके डायमीटर दोगुना होता है किसके तुलना में, क्रैंकशाफ्ट में लगी हुई टाइमिंग गियर के तुलना में, इसलिए क्रैंकशाफ्ट के जब टाइमिंग गियर दो बार घूमेगा तो तब कैमशाफ्ट का टाइमिंग गियर एक बार घूमेगा और एक बार वाल्व ओपन होगा, और क्लोजिंग के लिए भी सेम टू सेम है। इसमें देखो कैमशाफ्ट क्या क्या ऑपरेट करता है, ऑपरेट फ्यूल इंजेक्शन वाल्व, फ्यूल इंजेक्शन वाल्व को भी ऑपरेट करता है, डीजल इंजन के लिए फ्यूल इंजेक्शन वाल्व या फ्यूल इंजेक्टर जो है उसको भी ऑपरेट करते हैं कि कब उसको एक्चुअली डीजल को इंजेक्ट करना है, कब डीजल को स्प्रे करना है, वो भी कौन ऑपरेट करता है, कैमशाफ्ट ऑपरेट करता है और वाल्व का भी ऑपरेट करता है, ओके फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप, फ्यूल पंप, इन सबको ऑपरेट करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप फ्यूल पंप को ऑपरेट करते हैं। इट इज माउंटेड इन द क्रैंकशाफ्ट पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट। देखो इसमें क्या बोल रहा है? क्रैंकशाफ्ट इधर रहता है और उसकी पैरेलली कैमशाफ्ट होता है। कैमशाफ्ट और ये आपका क्रैंकशाफ्ट। इसके डायमीटर अगर सोचो इतना होता है तो इसके डायमीटर कितना होगा? इसका आधा होगा। ये टाइमिंग गियर, ये भी टाइमिंग गियर, तो ये जब दो बार घूम रहा है तो कैमशाफ्ट के टाइमिंग गियर एक बार घूमेगा और एक बार वाल्व ओपन होगा, ठीक है। तो कैमशाफ्ट क्या करता है? वाल्व को ऑपरेट करता है, फिर फ्यूल पंप लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप को ऑपरेट करता है, कब फ्यूल इंजेक्ट करना है, डीजल कब एक्चुअली स्प्रे करना है वो ऑपरेट करता है, और वाल्व को कब सही टाइम पर ओपन करना है बंद करना है वो सब चीज ऑपरेट करता है कैम
कैमशाफ्ट। ओके, ये सब चीज आपको समझ आ गया। कैमशाफ्ट बनता है फोर्ज्ड एलॉय स्टील से बनता है। कैमशाफ्ट किससे बनता है? फोर्ज्ड एलॉय स्टील से बनता है। ओके, हर एक पार्ट्स आप देख लो। इधर एक आपका टाइमिंग गियर है, एक्चुअली होगा क्या है, और इधर देखो ये कैम होता है और एक कैम सेफ्ट होता है। इसका सब टाइमिंग गियर लगा होता है और ये टाइमिंग गियर दोनों मेस होता है, और क्रैंक सेफ्ट कैम सेफ्ट पैरेलल रहता है। ओके, बाकी आप देख लो, इसे नोट कर लो, इमेज को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। ये आपका वर्टिकल सिलेंडर है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। ओके, नेक्स्ट ये देखो, इसके डायमीटर का दोगुना है कैमशाफ्ट के टाइमिंग गियर के डायमीटर। नेक्स्ट टाइमिंग गियर, टाइमिंग गियर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स। टाइमिंग गियर दो गियर का कॉम्बिनेशन में बने होते हैं। वन गियर ऑफ विच इज माउंटेड एट द एंड ऑफ द कैमशाफ्ट एंड द अदर गियर इज कनेक्टेड एट द क्रैंकशाफ्ट। मतलब टाइमिंग गियर दो गियर में अवेलेबल होते हैं। एक गियर बोल रहे हैं कैमशाफ्ट है, उसमें फिट होते हैं, और एक टाइमिंग गियर क्रैंक शाफ्ट में फिट होता है। तो एक क्रैंक शाफ्ट और एक कैम शाफ्ट। इसमें पढ़िए, कैम शाफ्ट गियर इज बिगर इन साइज देन द क्रैंक शाफ्ट गियर। मतलब क्रैंक शाफ्ट इस गियर के डायमीटर के तुलना में कैम शाफ्ट गियर के डायमीटर बड़ा होता है। इट हैज ट्वाइस एज मेनी एज टीथ एज दैट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट गियर। इसमें जितना टीथ होता है उसका दोगुना टीथ इसमें होता है, इसमें होता है, कैम शाफ्ट टाइमिंग गियर में होता है। मतलब ए डी होता है तो ए टू डी आपका होगा। ओके, फॉर दिस रीजन द गियर इज कॉमनली कॉल्ड हाफ। इसीलिए क्रैंक शाफ्ट गियर को हाफ बोला जाता है। इसके टाइमिंग गियर कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ द इग्निशन। टाइमिंग गियर का क्या होता है? इग्निशन का टाइम वो कंट्रोल करता है। इग्निशन का टाइम मतलब कि किस टाइम में एक्चुअली डीजल को स्प्रे करना है, डीजल को भेजना है फ्यूल इंजेक्टर वाल्व से, वो कंट्रोल करता है। टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व, और वाल्व को इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व को कब ओपन करना है कब क्लोज करना है वो सब कुछ ऑपरेट करता है। कौन करता है? टाइमिंग गियर करता है। और ये टाइमिंग गियर किसका साथ कनेक्ट होता है? दो चीज का साथ कनेक्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट। समझ आ गया? नेक्स्ट, और सिर्फ तीन पॉइंट है, एक दो तीन। एयर क्लीनर, इट इज यूज्ड टू क्लीन द एयर बिफोर सक्शन स्ट्रोक सेंडिंग थ्रू द इनलेट वाल्व। देखो, जब मैंने पहले आपको बोला था पहला क्लास में, ये आपका इंजन सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी का तरफ मूव होता है, डाउनवर्ड आता है, तो अंदर के इंजन सिलेंडर के अंदर के एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और किस कहां से कम हो जाता है? बाहर की तुलना में। इसीलिए ये वाल्व ओपन होता है, फिर इधर से बाहर के प्योर एयर इसके अंदर इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। ओके, ये मैंने बोला था आपको, यही देखो, यही आपको बोल रहा है। इट इज यूज टू क्लीन द एयर बिफोर सेंडिंग थ्रू इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व के थ्रू हवा को इंजन सिलेंडर में भेजने से पहले एयर क्लीनर लगे होते हैं, ठीक है। और उसका क्या काम होता है? बाहर के जो हवा है उसको क्लीन करना है और प्योर एयर को सिर्फ इंजन सिलेंडर के अंदर डालना है। ओके, साइलेंसर, साइलेंसर का काम क्या होता है आप तो जानते हैं। इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल व्हीकल टू रिड्यूस द नॉइज प्रोड्यूस बाय द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द इंजन। देखना, बाइक पर भी साइलेंसर लगे होते हैं, फोर व्हीलर में भी साइलेंसर लगे होते हैं। तो साइलेंसर से क्या होता है, जो भी जली हुई गैस होता है, धुआं होता है, उससे निकालता है। तो वो जब निकालते उससे आवाज होता है। बुलेट का देखना, साइलेंसर का होल एकदम पीछे वाला होल देखना, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसका बट 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 करके आवाज आता है। तो साइलेंसर का काम क्या होता है, वो होल बुलेट का होल अगर जो एकदम लास्ट में होल है तो उसको छोटा कर देते हैं तो आवाज भी कम हो जाएगा।
ठीक है। तो साइलेंसर का काम क्या होता है, जो भी जली हुई गैस है, धुआं है, उसको निकालना और उसके कारण जो आवाज होता है उसको साइलेंस करना, कम करना। इसलिए बोला इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल, ऑटोमोबाइल व्हीकल में साइलेंसर यूज होता है टू रिड्यूस द नॉइज प्रोड्यूस बाय द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द इंजिन। मतलब इंजिन से जो भी जली हुई गैस धुआं है वो निकालते टाइम जो भी आवाज होता है उसको कम करने के लिए साइलेंसर लगे होते हैं। बुलेट का देखना एकदम साइलेंस का लास्ट में, उसका होल बाकी बाइक के जो भी साइलेंसर का होल है उसके तुलना में बड़ा है, इसीलिए उसका आवाज आता है। उसको अगर होल को छोटा कर देंगे आवाज भी कम हो जाएगा। तो ये साइलेंसर का यही काम होता है कि आवाज को कम करना। देखना जैसे गन में भी साइलेंसर लगाते, साइलेंसर लगाने से क्या होता है, जब भी गोली चलाता है झटक से आवाज आता है, तो आवाज को कम करने के लिए साइलेंसर गन में भी लगाते हैं, बंदूक में भी लगाते हैं। When big engine is used in automobile, there are more than one cylinder, so that the next cylinder is attached by the manifold, which is present after the exhaust valve. देखो, जब किसी भी इंजन में एक से अधिक सिलेंडर होता है, उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं, तो एक सिलेंडर अगर इधर हो गया है, उसके बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उधर मैनिफोल्ड लगा के दूसरा सिलेंडर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। मतलब एक सिलेंडर के बाद जब दूसरे सिलेंडर को ऐड करना पड़ेगा किसी भी इंजन में, तो उसके लिए मैनिफोल्ड यूज होता है। ओके, लास्ट आज का क्लास का स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग पहला क्लास में मैं आपको बताया हूं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्नड और एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग। देखो, इंजन सिलेंडर से जब पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो जली हुई गैस होते हैं, जो धुआं होता है, उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे स्कैवेंजिंग कहते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पहला क्लास में मैं डिस्कस किया। ओके, एंटायर बर्न गैसेस डू नॉट गो आउट इन नॉर्मल स्ट्रोक। देखो, नॉर्मल स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पूरा जली हुई गैस धुआं नहीं निकाल पाता है, वो निकालने का एक प्रोसेस भी होता है। सम टाइप ऑफ ब्लोअर कंप्रेसर यूज किया जाता है इंजन सिलेंडर से पूरा जली हुई गैस और धुआं को निकालने का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इनलेट वाल्व के थ्रू आपको हवा बाहर के हवा आपको भेजना है, उससे पहले एयर क्लीनर लगा होना चाहिए ताकि एयर को परफेक्टली और प्योरली क्लीन करके वो इंजन सिलेंडर में भेजे। तीसरा, सेकेंड, साइलेंसर ऑटोमोबाइल इंजन में लगे होते हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर में भी लगे होते हैं। इसका काम होता है बर्न्ड गैस, जली हुई गैस और जो भी और क्या बोलते हैं धुएं जो भी होता है उसको निकालते टाइम जो आवाज होता है उसको कम करने के लिए। ओके, और तीसरा स्कैवेंजिंग, मतलब ये जो प्रोसेस होता है इंजन सिलेंडर से जली हुई गैस और धुआं को निकालने का, इसी को स्कैवेंजिंग कहते हैं। कभी कभी नहीं निकालते, इसीलिए ब्लोअर यूज करना पड़ता है और कंप्रेसर यूज करके इंजन सिलेंडर से पूरा जली हुई गैस और जो भी अपशिष्ट रहता है, जो भी धुआं रहता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गया। आज के लिए इतना ही है, मैं अपने तरफ से 100% देके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं एक चीज आपको गारंटी देकर बता सकता हूं, जो भी स्टूडेंट पूरा दो क्लास मेरा देखा है, पहला क्लास और सेकेंड क्लास, उसको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब डीजल मैकेनिक का पीडीएफ लेके भी पढ़ना, निमी का पीडीएफ लेके पढ़ना, देखना फर्स्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन है एग्जाम में, जो आईएसएल एग्जाम करते हैं बेसिक क्वेश्चन ही उठाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है। आपको मैं जितना पढ़ाया हूं इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखा है उसको समझ आया होगा, जरूर आया होगा। और इधर नहीं समझा तो आपको कहीं पर भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझेगा। मैं समझाता हूं कि बेसिक से शुरू करके मैं धीरे धीरे हमेशा एडवांस लेवल पर जाता हूं। तो अगर वीडियो पसंद है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा, देखिए थ्योरी पढ़े बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ जरूर आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते चलिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी से आपको कितना सीख मिला है, कितना आप सीख पाए हैं। मैं बता दे, मेरे को पता है सब, लेकिन आपको कितना ज्ञान मिला, आप कितना सीख पाए, वो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्ले स्टोर में जाइए, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कीजिए, और 25 सेट आईएसएल के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट है। सब स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट नहीं होता है, जिसके लिए जो जिसके अंदर है जोश,
चाहते हैं सिलेक्शन लेने का, वही स्टूडेंट जाके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। अदरवाइज फ्री वीकली टेस्ट आता रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी को कभी भी फोर्स नहीं करता। कोई भी तरह के मदद की जरूरत होता है आप कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 पर, अदरवाइज कमेंट बॉक्स पर भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।